इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से दोस्तों बिलोंग करता हूँ और पिछले ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एज अ रीजनल मैनेजर करंटली ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ पूरे वेस्ट रीजन में, यानी कि पूरा वेस्ट रीजन यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, इन सब जगह पे लगातार ट्रेनिंग चलती है। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो रही है एमपी में, खासकर के अभी जब मैं यहाँ से गुजरात से पहले मैं पिछले हफ्ते एमपी में था 8 दिन, 7 लोकेशन, 7 दिन में 7 सिटीज कम्प्लीट किए, जबरदस्त ट्रेनिंग थी बहुत जगह पे। उसके बाद ऑफकोर्स गुजरात ट्रिप पे हूँ यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद वापस फिर मुंबई में ट्रेनिंग कंटिन्यू है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज इतने गैप के बाद जब लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग में आए हैं तो नेचुरली उनको बहुत एक एक्साइटमेंट रहता है और बहुत अच्छा उन्हें फील गुड फैक्टर लगता है, बिकॉज इतने सारे टाइम के बाद जब लोग फिर से मिलने लगे हैं ना सामने और फिजिकल ट्रेनिंग्स हो रही हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज ऑनलाइन में आई एम श्योर काफी लोग बोर हो चुके हैं, पहले बहुत एक्साइटमेंट था कोरोना जब लगा चालू हुआ कोरोना पैंडमिक में, तो शुरुआत में ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत एक्साइटमेंट था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटमेंट लेवल कम हो गया, मतलब सैचुरेशन लेवल आ गया। और ऑफकोर्स आज फिर से हम जब इस तरह से मिले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, बिकॉज मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना सारी जगह पर, खास करके गुजरात में आया था गुजराती फूड ईयर, जी हाँ गुजरात का खाना मुझे बहुत पसंद है और मैं अलग अलग वैराइटीज ऑफकोर्स प्रेफर करता हूँ और ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इतने सारे बड़े लीडर्स यहाँ पर सब बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी, इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड ऑफकोर्स हम ज्यादा वक्त ना जाया करते हैं, इस ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे, इसको हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सब, अगर मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ आगे ही नहीं पीछे जो बैठे हैं वो लोग भी इस सवालों का जवाब दें, ताकि मुझे इंटरेक्टिव सेशन होगा, ताकि लोगों को एक्चुअल में एनवायरमेंट जब वो ले जाते हैं ना लोगों के पास फील्ड पे, बिकॉज आप लोग ही हैं वो लोग जो फील्ड पे जाते हैं लोगों के पास, प्रोस्पेक्ट्स के पास, और जाके इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। और जब आप ये सारी चीजें फील्ड पे जाके प्रोस्पेक्ट्स के साथ जाके काम करते हैं तो आपको क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये ऑब्जेक्शंस का आंसर्स भी आज हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को वो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं और उतना ही आप लोगों के लिए आसानी हो आगे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इजी हो जाए, राइट? तो सब तैयार है? यस। सब तैयार है? यस। ओके ग्रेट, तरुण। तो दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं 1.5 साल का कोरोना में ये हम इस जो है एक ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, अब एक्चुअल में जो फिजिकल ट्रेनिंग ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम इसको एक इस तरह से रखेंगे आगे, और आपको बताऊंगा कि कैसे हम आजादी पा सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हुए, स्ट्रेस तनाव को कम करते हुए। मोदी केयर अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये सब तो जानते ही हम, राइट? इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमारे पास इतने सारे बेहतरीन कैटेगरीज है, एक से एक कैटेगरीज है, वेल कैटेगरी, अर्बन कलर, श्लोका, ऑफकोर्स पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ऑटो केयर, एग्रीकल्चर, राइट, डिवाइन, ये सारी चीजें जितने कैटेगरीज हैं इनमें से जो एक कैटेगरी है वो है वेल कैटेगरी। और इसी वेल कैटेगरी के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं विच इज मोदी केयर का एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट। यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा चुके हैं, हाथ ऊंचा करके बताएंगे? ऑलमोस्ट 90% सारे लोग ने हाथ ऊंचा किया। कितने लोगों के घर पे एनवायरो लोग है? ओके, जिन्होंने नहीं खरीदा है आई एम श्योर वो आज की इस ट्रेनिंग को जानने के बाद ऑफकोर्स अपने घर में आज एनवायरो लोग जरूर खरीदेंगे और अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। क्यों खरीदना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजों का हम यहाँ पर जानेंगे। सॉरी, साथ ये सारी चीजों के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हमें ये चीज कस्टमर को कन्विंस करना है या उन्हें ये चीज फील करानी है कि हम उनके फायदे के लिए आए हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं। हमें क्या फायदा होने वाला है तो हम सब जानते हैं, हमें अपना ऑफकोर्स बिजनेस वाले मिलेगा, हमारा बिजनेस होगा, पर अगर प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर के दिमाग में आता है कि ये आज मेरे घर आया है ना तो कुछ ना कुछ मेरा पैसा खाली करके जाएगा, जेब हल्का करके जाएगा, राइट? ये फील फैक्टर नहीं आना चाहिए कस्टमर के मन में, हमें कस्टमर को ये एहसास कराना है, कन्विंस कराना है कि हम उनके फायदे के लिए आए हैं। और जब ये चीज कस्टमर को हम कन्विंस कराते हैं ना कि उनका बेनिफिट क्या है, तो आप देखिएगा कितना स्मूथली आप आसानी से ये चीजों को कन्वर्जन आपका जो है बहुत आसानी से कन्वर्ट होता है। आप लोगों को बहुत सारे फीडबैक ऑफकोर्स ऑब्जेक्शन आते रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे मैंने कहा। और आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि पिछले कोरोना काल में, पिछले 1.5 साल में, 2 साल में हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल की है जो घर ये है, फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फेस मास्क है, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें हमने इस्तेमाल की है, राइट? याद रखिए घर के बाहर जाते थे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने की है, आज भी कर रहे हैं। कहते हैं कि हाथी निकल चुका है, पूछ रह गया थोड़ा सा, राइट?
इसका मतलब यही है कि हमें थोड़ा सा सावधानी आज भी बरतना जरूरी है। और यही चीज को अगर हम देखें तो जैसे कि किसी को भी खुली आंखों से कोरोना वायरस दिखाई देता है, किसी ने देखा है कोरोना वायरस, अगर है तो प्लीज हाथ ऊंचा करें, किसी को दिखाई दिया नहीं ना, मुझे भी नहीं दिखाई देता। पर जैसे कोरोना वायरस खुली आंखों से नहीं दिखाई देता ना, उसी तरह से रेडिएशन भी एक चीज है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। ज्यादा सिंपल तरीके में रखने के लिए आपको बता दूं, रेडिएशन को हिंदी में कहा जाता है विकिरण। जी हाँ, विकिरण यानी कि रेडिएशन, हम हिंदी में रेडिएशन को विकिरण कहते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, वाटर राउटर, इनमें से जो वो वेव्स निकलते हैं उसको तरंगे कहा जाता है, यानी कि विकिरण के जो तरंगे है, और ये हमारे नुकसानदायक है। अब जैसे कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता पर सब जगह पर मौजूद है, और यही चीज है कि ये कितना नुकसानदायक है, इससे क्या हानिकारक नुकसान हो सकता है हमारे शरीर में, ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या है। अगर प्रॉब्लम्स ही लोगों को पता नहीं होगा तो आपको लगता है लोग सॉल्यूशन की मांग करेंगे? आई एम श्योर कोई भी नहीं करेगा, माने मानते नहीं ये चीज को। अगर हमें कोई चीज का प्रॉब्लम है तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन क्यों लेंगे उसके ऊपर? कोई रिएक्शन ही नहीं होगा ना, सॉल्यूशन होगा। तो लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है वो आइडेंटिफाई करवाना बहुत जरूरी है। और अगर लोगों को प्रॉब्लम्स आपने पहचान करा दी ना, आइडेंटिफाई करवा दिया, तो आई एम श्योर सारे लोग इस चीज को समझ सकेंगे और आपसे इस चीजों का सॉल्यूशन मांगेंगे। ऑफ कोर्स घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, यस, आपके घर में फॉर एग्जांपल कितने सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स? फाइव। ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। कविश, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? तीन। ओके मैम, ब्लू में जो बैठे तीसरे पीछे वाली, यस, थर्ड रो, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? फाइव। अवनी मैम, आपके घर में? चार। चार। शरफ और मैम? पांच। पीछे से कोई बताना चाहेगा उनके घर में? येलो साड़ी, यस मैम, आपने जवाब प्रेस किया। तीन। यस, दो। और कोई पीछे यहाँ पर बताना चाहेगा कितने घर में फैमिली मेंबर्स है? यस यस, दोनों हाथ प्रेस किया, बोलते जाइए ना। सिक्स। फाइव। फोर। ओके, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है, बिकॉज जब आप लोगों के पास एनवायरनमेंट ले जाते हैं ना, तो उनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स, अगर आपको पहले पता हो ना ये चीज पूछ ली ना, तो आपको पता चलेगा कि आप उनको क्या क्या चीज बता सकते हैं, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया, जस्ट एक रैंडम दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल था कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं घर में, दूसरा मेरा सवाल है कि कितने सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी बता दी या जिन्होंने नहीं भी बताया, उनको भी हम मौका देंगे कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना यहाँ पर, कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैब है, वाईफाई राउटर है, तो ये सारी चीजों की आप खुद ही अपने दिमाग में गिनती करिए कि अगर चार घर में सदस्य है, फैमिली मेंबर्स, तो चार मोबाइल फोन हर घर में है कि नहीं? एक लैपटॉप भी होगा, नहीं है तो लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर होगा, राइट? एक वाईफाई राउटर है, टैब भी होगा। तो अगर आप ये सारी चीजों की गिनती करें, तो मैम आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र गैजेट्स हैं, ये सब चीजों का अगर आप गिनती करें जो इस्तेमाल हो रहे हैं? आठ है। इन्होंने कहा था चार मेंबर है और आठ है आपके घर में, मैम आठ दस होंगे। यस मैम, आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं? आठ दस होंगे, राइट? पीछे से कोई बताना चाहेगा कि किसी के घर में सिर्फ एक या दो चीज ऐसी मौजूद है? आई एम श्योर किसी के घर में नहीं है। किसी के घर में ऐसा है कि चार सदस्य पर सिर्फ एक ही मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा भी नहीं है ना, क्यों? बिकॉज एक वक्त था जब 1995 में मोबाइल लॉन्च हुआ था ना, तब वो एक लग्जरी आइटम था मोबाइल फोन। मोबाइल फोन खुद इतने महंगे हुए करते थे, प्लस साथ ही साथ उसका जो कॉलिंग रेट्स था, इनकम, पहले तो आउटगोइंग में तो कॉल ऑफकोर्स आज भी लगते ही थे, रेट्स लगते थे कॉल के चार्जेस, पर इनकमिंग में भी लगते थे, सबको पता है। अगर किसी का फोन आ भी जाता ना, तो फोन उठाने से हम डर जाते थे कि यार फोन उठाएगी नहीं उठाए, इनकम का भी चार्जेस लग जाएगा। और जिसके पास मोबाइल होता था ना, उसको हम स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते थे, यार बहुत अमीर होगा ये शायद, जिसके पास मोबाइल है। 1995 की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं। तो उस वक्त मोबाइल फोन एक लग्जरी आइटम था, पर क्या आज मोबाइल फोन कोई लग्जरी आइटम है? नहीं है, आज एक नेसेसिटी है, नीड बन चुकी है। क्या आप लोग मोबाइल फोन के बगैर जी सकते हैं? आप सपोज, आप सभी लोगों से अगर मैं कह दूं यहाँ पर एक बात कि 24 घंटे 24 आवर्स सिर्फ 24 घंटे बिना मोबाइल फोन के रहकर दिखाइए, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमारा सारा काम, हमारा सारा ताम झाम सब मोबाइल के जरिए, मतलब हम नहीं रह सकते। ये सबसे जरूरी चीज हो चुकी है, आज नेसेसिटी, नीड बन चुकी है, ये चीज लोगों को बताइए। ऑफकोर्स ये सारी चीजें जो है ना, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, यस सर, तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को आप जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए ऑफकोर्स। और दो सवाल मैंने आपसे पूछा कि पहले घर में कितने सदस्य हैं, दूसरा मैंने पूछा कि घर में इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की गिनती कितनी है। ये सारी चीजें, इससे आपको पता चलेगा कि अगर उनके घर में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैब है, वाईफाई राउटर है, तो ये सारी चीजें हमारे पास मोदी केयर में कंप्लीट होम प्रोटेक्शन सॉल्यूशन है। ये शब्द इस्तेमाल करिएगा, कंप्लीट होम प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, यानी कि मोबाइल एनवायरनमेंट फॉर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर, सारी चीजों के लिए। और साथ ही साथ हमारे पास है
एनवायरमेंट ग्लोब भी मोदी कैबिनेट। तो ये सारी चीजें लोगों को बताइए। अफकोर्स अब मेरा तीसरा सवाल है आप लोगों से यहाँ पर कि आपने जो मुझे गिनती बताई कि कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में इस्तेमाल करते हैं ऑन एन एवरेज, कोई भी जवाब दे सकते हैं, किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगा, कोई भी हाथ रेज करे और बताना चाहे तो प्लीज बताइए कितने घंटे 24 घंटों में से प्रतिदिन रोजाना कितने घंटे आप इस्तेमाल करते हैं। यस मैम 12 घंटे। और कोई बताना चाहेगा पीछे से मैं चाहूंगा। यस 12-13 घंटे। यस 8 घंटे। यहाँ पर आगे की तरफ कोई बताना चाहेगा कितने घंटे प्रतिदिन इस्तेमाल हो रहा है 24 घंटों में से? 15-16 घंटे। यहाँ पर 10-12 घंटे मानते हैं ना, यानी कि 24 घंटों में से अगर 12 से 15 घंटे हम रोजाना ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अगले 6 दिन फिर इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं ना, रोजाना इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि रोजाना 24 आवर्स में से 12 से 15 घंटे ऊपर नेक्स्ट डे थर्ड डे फोर्थ डे यानी कि सातों दिन 24/7। तो सोचिए जब 24/7 हम ये सारी चीजों का इतना घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या नुकसान हो रहा है हमारे शरीर पे, इसका लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस लोगों को तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं है कि जहां पर मैं ये मोबाइल फोन पे अपने कानों से लगा के दिन में 10 फोन कॉल कर लूं, 25 फोन कॉल करूं या 50 फोन कॉल करूं जिसका नुकसान नहीं होगा। पर जब रोजाना इस तरह से मैं मोबाइल फोन पे इतने घंटे बात करता हूँ रेगुलरली, तो नेचुरली उसका जो नुकसान है वो मेरे शरीर पे हो रहा है, यानी रेडिएशन एक स्लो पॉइजन है, साइलेंट किलर, धीमे जहर की तरह हमारे शरीर को वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर बनाया जा रहा है। हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी उसको कमजोर किया जा रहा है। ये लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है, ये चीज लोगों तक जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए घर में मौजूद आप देख सकते हैं क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद है, ये सारी चीजें घर में हमारे इस्तेमाल हो रही है। घर के बाहर मोबाइल फोन टॉवर्स है, घर के बाहर हाई टेंशन केबल लाइन्स है, बहुत सारे घरों के छत के ऊपर मोबाइल फोन एंटीना लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि एक जो ये हमारा जो मोबाइल फोन होता है उसको कहा जाता है कि अपने से एक हाथ दूर रख के सोया करें, यानी कि हम ये जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ना रात को सोते वक्त अपने से एक हाथ दूर इतना दूर रख के सोया करें। क्यों? बिकॉज एक मोबाइल फोन उसके चारों दिशा में तकरीबन 2 फीट रेडियस में रेडिएशन का उसका एक्सपोजर होता है, एक मोबाइल फोन का 2 फीट रेडियस। सोचिए एक मोबाइल फोन की बात है, अगर हम लैपटॉप की बात करें उसके चारों दिशा में तकरीबन 3.5 फीट उसका रेडिएशन का एक्सपोजर होता है एक लैपटॉप का। वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई राउटर तकरीबन 9.5 से 10 फीट चारों दिशा में रेडिएशन का उसका एक्सपोजर होता है। और अगर हम बात करें तो ये जो छोटे छोटे मोबाइल एंटीना जो बिल्डिंग के टेरेस पे लगे रहते हैं या छत पे रहते हैं ना, अभी तक हम फीट की बात कर रहे थे, अगर हम इस मोबाइल एंटीना जो छोटे बिल्डिंग घर के छत के ऊपर टेरेस पे लगे हैं उसका रहता है रेडिएशन का एक्सपोजर चारों दिशा में तकरीबन दायरा जो रहता है वो रहता है 150 मीटर। जी हाँ, 150 मीटर सोचिए। और जो बड़े बड़े मोबाइल एंटीना जो सड़क पर या ग्राउंड पे लगे रहते हैं ना टावर्स खड़े रहते हैं उसका रहता है 300 से 350 मीटर का दायरा। अब अगर आपके घर के पास ये सारी चीजें हैं तो इससे जो होने वाला नुकसान है वो सारी चीजें हमारे लिए हानिकारक है और इसका हमें पता भी नहीं कि हमारे घर में इनसे भी नुकसान हो रहा है रेडिएशन का, ये सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। अफकोर्स हम ऑफिस फिर से जाने लगे, ऑफिस में जाके हम फिर से काम करने लगे हैं तो ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहता है, बिकॉज छोटी भी ऑफिस होगी तो तकरीबन 5 या 10 लोग होंगे। एक रिक्वेस्ट है, अगर फोन वाइब्रेट मोड पे डाल देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है काफी वक्त के बाद ये ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है और बार बार ये रिंग बज रही है, डिस्टर्बेंस होगा, नुकसान हम लोगों का ही है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपना फोन वाइब्रेट मोड पे डाल दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये सारी चीजें हैं लोगों को जानकारी दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम अभी आज के वक्त में लॉकडाउन तो कब से ओपन हो चुका है, हम फिर से ऑफिस जाने शुरू कर चुके हैं, ऑफिस जाके काम करते हैं, तो एक छोटा सा छोटा ऑफिस भी होगा तो वहां पर 5 या 10 लोग तो कम से कम होंगे ऑफिस में काम करने वाले। अगर बड़े ऑफिस होगा तो तकरीबन 50 लोग 100 लोग 200 500 लोग होंगे, इतने सारे लोग एक साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं। तो सोचिए एक ऑफिस में भी पूरा इसी तरह का माहौल बना रहता है जहां पर इतने सारे वर्क स्टेशन कैबिन्स क्यूबिकल्स डेस्क हैं जहां पर लोग बैठ के सब काम कर रहे हैं। ये सारे जो आप लाल रंग के डॉट्स चमचमाते हुए देख पा रहे हैं ना, जो ये सारे रेडिएशन पॉइंट्स हैं, सबके पास उनका खुद का एक मोबाइल फोन है और लैपटॉप है जिसपे वो काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली अगर 100 लोग भी हैं ऑफिस में तो 100 मोबाइल फोन और 100 लैपटॉप मौजूद है, प्लस वाईफाई रूम में वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वो सारी चीजें सर्वर रूम में, ये सारी चीजें। और जब हम ऐसे ऑफिस में काम करते हैं तो एक दिन नहीं काम करते, 6 दिन काम करते हैं, सोमवार से शनिवार, और दैट इज रोजाना, और वो भी 8 से 10 घंटे 8-10 आवर्स। उसके बाद लौट के कहां आते हैं? अपने घरों में। जब घर में लौट के आते हैं तो घर में भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद है, प्लस साथ ही साथ घर में एक चीज का और खतरा है और वो है वाईफाई राउटर्स का।
हमारे खुद का वाईफाई राउटर तो हमारा कनेक्टेड होता है ये होम नेटवर्क। सब लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते घर में? तो जब आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं मोबाइल को या लैपटॉप को, तो आपका होम नेटवर्क आप कनेक्ट कर लेते हैं, आपका घर का नेटवर्क है। पर स्कैन करके देखा होगा तो आपने देखा होगा और भी कितने सारे एक्स्ट्रा वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है आसपास में, और ये सारे वाईफाई कनेक्शन अगर जो हमारे घर के आसपास में मौजूद है तो वो भी रेडिएशन है, और इसी सोर्स ऑफ रेडिएशन को जो एक्स्ट्रा हमारे पड़ोसी के घर में वाईफाई इस्तेमाल हो रहे हैं या उनके घर से जो रेडिएशन आ रहा है इसको कहा जाता है अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, जो हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में मौजूद है। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके साथ स्क्रीन पर रखा है, ये मेरे खुद के घर का तस्वीर है, लैपटॉप पे मैंने खींची है, और इसमें आप देख सकते हैं मेरा खुद का होम नेटवर्क कनेक्टेड है वाईफाई का सबसे टॉप पे, और मेरे घर में मेरे आसपास में पड़ोसी में जितने भी वाईफाई इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे वाईफाई सिग्नल्स मेरे घर में मौजूद है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल इन माय होम हैज डिटेक्टेड, ऑफ कोर्स दिस आर द सिग्नल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम माय सराउंडिंग्स नेबरहुड वेयर दे आर यूजिंग देयर ओन वाईफाई नेटवर्क्स, एंड इमेजिन वी आर स्टेइंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर वी आर सराउंडेड बाय दिस रेडिएशंस अराउंड अस 24/7। ये सारी चीजें, कितने लोग अपना वाईफाई राउटर स्विच ऑफ करके सोते हैं रात को सोने से पहले, करके सोते हैं? हार्डली 30% में देख पा रहा हूं, 30% जिन्होंने छात्र हैं, मे बी उससे भी कम। ये सारी चीजें, अगर हम रात को सो रहे हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वाईफाई फिर क्यों ऑन है? रात को वाईफाई ऑन बाकी सबके घर में वाईफाई राउटर हॉल में लगा हुआ है या लिविंग एरिया में? बहुत अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स जब भी वाईफाई राउटर इंस्टॉल करते हैं उसको लिविंग एरिया या हॉल में इंस्टॉल करिए, बेडरूम में मत इस्तेमाल लगाइएगा उसको, और रात को सोते वक्त अपना वाईफाई राउटर को जरूर स्विच ऑफ करिएगा, बिकॉज जब आप रात को सो रहे हैं चैन की नींद चाहिए ना, तो वाईफाई राउटर को ऑफ कोर्स स्विच ऑफ करें, बिकॉज तब तो आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करें। ये एक एग्जांपल है, कई बार अभी लोगों से सवाल आता है, एक जन ने मुझे कंसल्टेंट से फोन किया था अहमदाबाद से ही थे, मेरे को नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उन्होंने मुझे बोला सर मैं एक जन के पास वाईफाई का एनवायरनशिप लेके गया वाईफाई राउटर के लिए और लैपटॉप के लिए, तो उन्होंने लैपटॉप का लिया मेरे से एनवायरनशिप पर, वाईफाई का नहीं लिया। ये कहते कि मेरे घर में वाईफाई नहीं है, मैं अपने घर में वाईफाई इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मेरे मोबाइल में जो 4G डाटा नेटवर्क मिलता है ना मुझे वो काफी है, इसके लिए मुझे वाईफाई का एनवायरनशिप नहीं चाहिए जो टैप इस पे लग सकता है, टैप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाईफाई राउटर पे। मैंने कहा तो सर आपने उनको क्या फिर सजेस्ट किया? बोला कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ लैपटॉप का एनवायरनशिप उसको देकर आया, मोबाइल का ऑलरेडी वो इस्तेमाल करें। मैंने कहा आपने उसको एनवायरनशिप बताया? बोला सर कैसे एनवायरनशिप बताऊं, किस बेसिस पे? मैंने कहा उन्हें बताइए कि जब वो खुद वाईफाई राउटर इस्तेमाल नहीं करते ना घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पड़ोसी भी इस्तेमाल नहीं करते, उनके पड़ोसी तो इस्तेमाल करते होंगे ना, और उनके खुद के मोबाइल में उनको बताया होता कि सर आप अपने मोबाइल पे वाईफाई को ऑन करिए कनेक्शन को, और उनको फिर दिखाया जाता वाईफाई के इतने सारे ढेर सारे कनेक्शन जो आसपास के नेबर से सब पड़ोसी घर से आ रहे हैं, और जब वो उन्हें दिख जाता तो उन्हें पता चलता कि उनके घर में वाईफाई का खतरा कितना है रेडिएशन का। वो नहीं तो कम से कम आप अपने खुद के मोबाइल पे वाईफाई ऑन करके उन्हें दिखा देते कि आसपास में जो पड़ोसी से जो नेबर से वाईफाई का सिग्नल घर में मौजूद है वो एक रेडिएशन है, और उसी रेडिएशन से बचाव करने के लिए आप उनको फिर एनवायरनमेंट लोग मोदी का प्रमोट कर सकते थे, जो अपने आप को उनको सुरक्षित रख सकते हैं मौजूद रेडिएशन से। ये चीज तरीके से आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं ताकि कहीं पर ब्लॉक ना हो, आप कहीं पर भी अटके नहीं कि अरे वो वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैंने वाईफाई राउटर का चिप नहीं भेजा। अगर वाईफाई नहीं सेल कर पाए उनके घर पे नहीं है, आप उनको आसपास की इस तरह से जानकारी देखें एनवायरनमेंट ब्लॉक पे भी लेके आ सकते हैं ताकि उनको पता चले कि ये सारी चीजें। तो ये एक अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन है जिसके बारे में बात की। जब हम 24/7 ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं, इसी रेडिएशन का जो प्रदूषण है ना पॉल्यूशन, इस प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्मॉग, जो आप स्क्रीन पे नाम पढ़ सकते हैं। जी हाँ, स्मॉग SMOG, स्मॉग, ये सब हम सब जानते हैं, पर इलेक्ट्रो स्मॉग यानी रेडिएशन का प्रदूषण जो हमारे आसपास में सब जगह में मौजूद है, जो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आ रहा है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, वाईफाई राउटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो घर में मौजूद हैं, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ऑफकोर्स वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें। पर ऑफकोर्स फर्क इतना है कि हम उसको कंटिन्यूसली हमारे कॉन्टैक्ट में रहता है, वो एक जगह पे घर में कोने में रहता है, ऑन रहता है, चल रहा रहता है, तो वो सारी चीजें हैं, पर वो भी सारी चीजें भी रेडिएशन से मिट करती है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अगर मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं तो कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में आपको जानकारी है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? एनीबॉडी प्लीज, कितने अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में आप जानते हैं? एयर पॉल्यूशन, ओके, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन, यानी कि जल, वायु, ध्वनि। इसके अलावा कोई और प्रदूषण? राइट, अगर आप अपने आसपास में 100 लोगों को भी ये पूछेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो कॉमन आंसर आपको मिल रहा है ना, वो ये तीन ही ऑन मिलेंगे, जल, वायु, ध्वनि, एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। इसके अलावा बाकी कोई भी लोग ज्यादा आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई मुश्किल से गिने चुने एक या दो लोग होंगे जो आपको बताएंगे। केमिकल पॉल्यूशन, मे बी लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, अलग से कुछ बताएंगे इस प्रकार का पॉल्यूशन, पर ज्यादातर ये तीन ही चीज आपके सामने आएंगे, जल, वायु, ध्वनि, एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। उन्हें बताइए, इन प्रदूषण के अलावा हमारे पास एक प्रदूषण और है, और वो है रेडिएशन का प्रदूषण। ऑफ कोर्स वो चीज दिखाई नहीं देती, कहते हैं ना कि अगर दुश्मन दिखाई दे ना उससे तो हम लड़ सकते हैं,
पर अगर दुश्मन दिखाई ना दे, अनदेखा हो, तो उससे कैसे लड़ेंगे? दो ही ऑप्शन है, या तो छिप जाना, या तो दूसरी चीज अपने आप को बचाव करना। आप छिपेंगे कहां पर? छिप तो सकते नहीं है, बिकॉज सब जगह पे रेडिएशन है, तो दिखाई देता नहीं है, सिर्फ जो सारी चीजें पर सब जगह पे मौजूद है, तो उससे छिप नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी कि उसका बचाव करना, सावधानी बरतना। मोदी क्या कहता है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। लोगों की सोच बदलनी है ना, तो लोगों को जानते दीजिए। आज अगर हमें छोटे अरसे में कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसको अगर हम पहचान हो गई है और उसको अपने आप को जानने के बाद हम उसके ऊपर कदम उठा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, तो कल को बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि लोगों को बताइए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कल को कब बड़ी बीमारियां होंगी और उसके बाद हम उसके बाद इसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। आज अगर हमें थोड़े से पैसे खर्च करके, छोटे पैसे खर्च करके, थोड़े से अगर हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके, जो हमारे पास मोदी केयर में सॉल्यूशन मौजूद है, तो ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए हम ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दें, उन्हें बताएं, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित कर सके। हम हेलमेट कब पहनते हैं? बाइक चलाने से पहले या बाइक चलाने के बाद? बाइक चलाने से पहले। सभी लोग मानते हैं ना, राइट? गाड़ी चाहे ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट कब पहनते हैं? गाड़ी चलाने से पहले या गाड़ी चलाने के बाद? पहले। ऑफ कोर्स गाड़ी चलाने जाते हैं तो सीट बेल्ट। ये क्या सारी चीजें, यानी कि प्रिवेंशन। आप गाड़ी चलाने के बाद आने के तो सीट बेल्ट पहनेंगे नहीं, या बाइक चला के आने के बाद टू व्हीलर के हेलमेट पहन के बैठेंगे नहीं, राइट? कहने का मतलब ये सारी चीजें। इंश्योरेंस सबने निकाला है, बीमा अपने खुद का, परिवार का, सभी लोगों ने निकाला, राइट? अगर आप महीने के महीने, तीन महीने यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली यानी छह महीने में, या साल में जो इंश्योरेंस के पॉलिसीज के पैसे भरते हैं, और अगर आप पूरे साल पर बीमार नहीं हुए, तो क्या इसका मतलब ये है कि साल में एक बार हमें कंपलसरी हॉस्पिटल में पैसे वसूल करने के लिए बीमार होकर जाना ही है? नहीं ना, कोई ऐसा नहीं करता ना, राइट? हम अपने आप के लिए वो इंश्योरेंस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि कल को अगर कोई गलती से हमें कोई बीमारी हो गई, परिवार को कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम, तो हमारे पास एक बैकअप है, ताकि पैसों का अरेंजमेंट हो सके, यानी कि प्रिवेंशन है। ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स मैंने दी, ये सारे एग्जांपल्स प्रिवेंशन के बारे में। ऑफ कोर्स ये लोगों को जानकारी दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता है, अनदेखा है, इनविजिबल है, अदृश्य। हमारे मोबाइल फोन में सिग्नल्स है सभी के, मानते हैं ना ये सारी चीजें? कहां से आ रहा है वो सिग्नल? आसपास में बाहर जो मोबाइल टॉवर होगा सड़क पर या बिल्डिंग के छत के ऊपर, क्या इस दरवाजे से या खिड़की से कोई आता हुआ सिग्नल दिखाई दे रहा है हमें कि कहां से सिग्नल आ रहा है हमारे मोबाइल पे? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सिग्नल मौजूद है पर दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल। कोई उसको महसूस कर सकता है, फील कर सकता है? कोई भी नहीं फील कर पा रहा है। रेडिएशन, ये सारी चीजें हमारे आसपास में मौजूद है, लोगों को ये जानकारी दीजिए। अगर रेडिएशन दिखाई देता तो जानना चाहते हैं कैसा होगा वो चीज? अगर रेडिएशन दिखाई देता तो देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? Yes. एक छोटा सा तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा, ये जरूर लोगों के साथ शेयर करेगा कि इफ रेडिएशन वर विजिबल देन, अगर ये रेडिएशन दिखाई देते ना, तो शायद कुछ इसी प्रकार का होता कि पूरा का पूरा बिल्डिंग है, सड़कें हैं, सब जगह पे मोबाइल एंटीना लगे हुए हैं और हर एक जगह पे टॉवर लगे हुए हैं, एक जगह पे तो एक मोबाइल टॉवर से दूसरे मोबाइल टॉवर सब पूरा कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा मकड़ी का जाल जो होता है ना, स्पाइडर वेब, उस तरह से पूरा जाल बिछा हुआ, हम इसी जाल के बीच में रह रहे हैं। सही शब्द है रह रहे, सॉरी गलत है, रह नहीं रहे, फंसे हुए हैं, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सोचिए, जब ऐसे रेडिएशन के बीच में हम कंटिन्यूसली फंसे हुए हैं, इनमें से कोई बच के निकलने का रास्ता नहीं है, तो सॉल्यूशन क्यों ना अपनाए? और सॉल्यूशन जब हम जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताएं। सबसे पहले जरूरी है कि खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को डुप्लीकेट करें, प्रमोट करें, बिकॉज मोदी केयर इज द बिजनेस ऑफ परचेज, सेल्फ यूज एंड डुप्लीकेशन, राइट? सही है ना? तो पहले खुद प्रोडक्ट्स को परचेज करें, खुद इस्तेमाल करें, लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये सारी चीजों का मुझे क्या फायदा हुआ है, बेनिफिट्स क्या हुआ है, और फिर लोगों को उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए डुप्लीकेट करें, रेप्लीकेट करें आगे, ताकि लोग इसे समझ सके। ये जरूरी चीज है। अब जब कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं ना 24/7, तो इस रेडिएशन से होने वाला जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो छोटे अरसे में हो रहे हैं, यानी कि स्मॉल हेल्थ प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ ही अरसे में, यानी कि कुछ हफ्ते से लेकर दिनों में, कुछ दिनों से लेकर हफ्ते या महीने भर में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो लंबे अरसे में हो रहे हैं, यानी कि कुछ महीनों से लेकर साल भर में या और भी ज्यादा। आई एम श्योर यहाँ पर हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा है यहाँ पर इंसान आज, जो आज पहली बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, फर्स्ट टाइम इन लाइफ आज ही मोबाइल खरीदा, पहली बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई है ऐसा? नहीं ना? पिछले 10 साल से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और जब 10 साल से आप सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, अगर आप अकेले 10 साल से कर रहे हैं, आपके घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी 10 साल से कर रहे हैं, तो पिछले 10 सालों में सोचिए आपके घर में कितने बार नए नए मोबाइल फोन आए पूरे परिवार के बीच में।
अगर एक जन ने हर दो या तीन साल में भी मोबाइल फोन बदला है तो एक इंसान 10 साल में 3 बार मोबाइल फोन बदल चुका है। अगर 4 सदस्य घर में है, 4 परिवार के लोग हैं, तो 4 सदस्य के हिसाब से 3 के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन आपके घर में 12 बार मोबाइल फोन नए नए आ चुके हैं। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हम 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूसली 10 साल से इसी रेडिएशन के एक्सपोजर हो रहा है हमारे शरीर पे, और इसका नुकसान हम जानते ही है। जो आप देख सकते हैं छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम, सुबह उठते हैं कई बार सर दर्द जैसी चीजें होती हैं, हेडेक्स, और हम सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ चाय और कॉफी पी लें और शायद उससे हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। पर क्या चाय या कॉफी पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है? नहीं होता है। कुछ ना कुछ दवा लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती मेडिसिन, राइट? मेमोरी लॉस, खास करके लेडीज लोग जो किचन में जब काम करते हैं, खाना बनाते वक्त रेफ्रिजरेटर ओपन तो करते हैं पर भूल जाते हैं अंदर से क्या सामान निकालना था। होता है कि नहीं होता है? किनके साथ होता है ये? Yes. सभी के साथ, मानते हैं ना? Yes. छोटी हेल्थ प्रॉब्लम से मैं जो आपके साथ यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये कोई मैं किताब में से पढ़ के नहीं आया हूँ। इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल नॉलेज, इट इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे साथ डेली लाइफ में हमारे साथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें लोगों को जानते दीजिए कि प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है, वही लोगों को बताइए। मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाते हैं, बटन ऑन करना भूल जाते हैं। आज भी बहुत बार होता है ये सारी चीजें, राइट? थोड़ी देर बाद आते हैं देखने के लिए कि मोबाइल कितना चार्ज हो, पता चलता है चार्जिंग के बजाय डिस्चार्ज हो चुका है मोबाइल, राइट? बैटरी और डाउन हो चुकी है। और ऑफ कोर्स मेमोरी लॉस के अलावा ये सारी, ऑफ कोर्स मेमोरी लॉस के एग्जांपल्स हैं इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक हो जाते हैं घरों में, हम इरिटेट हो जाते हैं। कोई हमारे को एक एक्स्ट्रा काम बोल देना तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है। बहुत सारी चीजें ऑफिस में खास करके होता है, एक दिन अगर छुट्टी ले लो दूसरे दिन ऑफिस में जाओ और जो काम का लोड होता है तो पहले ही ऑफिस में इंसान छिड़छिड़ापन से महसूस ये होता है और उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो और भी ज्यादा सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हैं घर में हमारे नोकझोंक होता है, छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं इस वजह से। एंड ऑफकोर्स नींद की बीमारी यानी इंसोमिया, स्लीप डिसऑर्डर, बैड स्लीप क्वालिटी जिसको कहा जाता है, सबसे पहले तो रात में 2 या 3 बजे तक सोते ही नहीं है, राइट? मोबाइल पे चैटिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब सो भी जाए तो तकरीबन 2 से 3 बार नींद में जाग जाते हैं, या फिर सुबह सो कर उठने पड़ सकता है कि नींद पूरी नहीं, कुछ वक्त और सोया जाए। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है, कहने का मतलब है ये सारे छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ मेरे अकेले या आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है, और एक इंसान के साथ ही घर में मौजूद सभी सदस्यों के साथ हो रहा है। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम सबके साथ जब हो रहा है ना तो इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, क्यों? बिकॉज ये कॉमन है, सबके साथ हो रहा है, और जब ये सारी चीजें कॉमन है ना तो इसके लिए हम इसको नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते कि ये सबके साथ हो रहा है ना। अगर मेरे साथ अकेले के साथ होता तो शायद मैं टेंशन लेता, अरे यार मेरे को क्यों हो रहा है सारी अकेले प्रॉब्लम, बाकी तो किसी को तो हो नहीं रहा है, पर जब ये सबके साथ हो रहा है ना तो इसको लाइटली लेते हैं, कॉमन समझ के, और इसको हम नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। यही चीज है कि आगे चल के ये छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स कल को कब बड़ी बीमारियों में बदल जाएंगे ना, इसका हमें अंदाजा भी नहीं और हम पता भी नहीं कर पा रहे। कितने सारे लोग ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जो 35 या 40 इयर्स, 35 या 40 साल के ऊपर के जो उम्र के लोग हैं वो अपना मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं ऊपर के जेब में? मैम बताएंगे, बोल के जरा, कहाँ रखते हैं? आगे की जेब, यानी कि शर्ट पॉकेट में, राइट? आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखिएगा, अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो आज की इस मीटिंग के बाद आपके जरूर ऑब्जर्व करिएगा चलते फिरते लोगों को, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर उसने अपना मोबाइल फोन ऊपर रखा है ना चेस्ट के करीब, अपने दिल के करीब शर्ट या टी शर्ट पॉकेट में, यानी कि वो इंसान 35 से 40 साल के ऊपर का है, बता करो। पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कि 40 साल से ऊपर ज्यादा वाले लोग जो है वो अपना मोबाइल फोन ऊपर की जेब में रखते हैं, और जब मोबाइल फोन ऊपर की जेब में होता है ना शर्ट या टी शर्ट पॉकेट में, इनफैक्ट महिलाएं लेडीज अपना शोल्डर्स में हैंड बैग कैरी करते हैं और हैंड बैग में उनका मोबाइल फोन होता है, तो इसी पर्स में, तो वो भी दिल के करीब होता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों पता है? बिकॉज 1 मिनट की हार्ट बीट कितनी होती है हमारी, दिल की धड़कन है 72, और सोचिए कि अगर 1 मिनट में दिल हमारा 72 टाइम्स इस तरह से धड़क रहा है हार्ट बीट, अगर वो हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर आएगा उसकी वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। ऑफ कोर्स अब किसी के सामने अगर मैं बात करूं यंगस्टर्स की, यानी कि 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो अपना मोबाइल फोन को कहां रखते हैं, कौन सी जेब में रखते हैं? ऑफ कोर्स पैंट पॉकेट में, राइट? ये आगे की जेब में या पीछे के जेब में, जींस के ट्राउजर्स के फ्रंट या बैक पॉकेट में। महिलाएं जो लेडीज हैं वो भी वेस्टर्न आउटफिट पहनती है तो वो भी सर से जेब में रखती है अपने पैंट पॉकेट ट्राउजर्स में, या फिर अगर सलवार कमीज भी पहनती है तो सलवार कमीज में पॉकेट सिलवाते हैं, आपका फैशन है तो अपने उस पॉकेट में रख देते हैं, राइट? कहने का मतलब है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी केसेस जेंट्स के अंदर लेडीज के अंदर दोनों में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जेंट्स के अंदर स्पर्म काउंट कम होना, यानी शुक्राणु की गिनती कम हो जाना, अप टू 30%, 30% स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है, गिनती काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के कपल्स, हस्बैंड वाइफ जो है मियां बीवी, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते हैं।
राइट, ये सारी चीजें। और इसी का रिजल्ट है कि पिछले 15 सालों में आईवीएफ सेंटर्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हर गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं। 15 साल पहले किसी ने आईवीएफ सेंटर्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के बारे में सुना था? किसी को पता भी नहीं था, राइट? पर आज पिछले 15 सालों में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है, खुलते जा रही है। ये लोगों को जानते दीजिए, ब्रेन ट्यूमर कैंसर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है। 2018 में पूरे भारत देश में 1,00,000 ब्रेन ट्यूमर केसेस पाए गए थे, 1,00,000 ब्रेन ट्यूमर केसेस। और आप जान के शॉक हो जाएंगे कि उस 1,00,000 ब्रेन ट्यूमर केसेस में से 20,000 केसेस 20,000 केसेस छोटे बच्चों के थे, राइट? ये फैक्ट है 2018 का, गूगल करके इसको सर्वे कर सकते हैं। सोचिए मैं 2018 का फिगर बता रहा हूँ, आज हम कहाँ पर है 2021 में। ये सारी चीजें हैं, साथ ही साथ ऑफकोर्स इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाएं आज वर्किंग वुमेन है, ऑफिस जाती है, काम करती है, तो इनिशियली कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने तक ऑफिस काम कर रही है, ऑफिस में लोग सब है मिलकर काम कर रहे हैं, रेडिएशन वहां पर भी है, राइट? साथ ही साथ उसके अलावा घर पे आते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जब महिलाएं भी इस्तेमाल करती है कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी के दौरान भी, गर्भवती होने के बावजूद, तो उनके माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से बच्चे कई बार प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं 6, 7, 8 मंथ्स में, या तो फिर जब बच्चे 9 महीने बाद पैदा भी होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में। कितने सारे ऐसे केसेस हम सुनते हैं, कितने सारे एनजीओ से हमको फोन आते हैं, राइट, कि बच्चों का मदद करिए, ये सारे केसेस है एक्चुअल में आप देखिएगा वो सच में, बस आज के वक्त में सारी चीजें। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोकस करिए, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, दिखाई देता है और महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं और विजिबल भी है। ये मैंने इसके लिए कहा कि अगर किसी इंसान को सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द सर दर्द हो रहा है तो उसको महसूस होगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट? वो है कि नहीं, सबको होता है ना महसूस। और अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद ना हो, कई रातों से जाग के निकाली हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए, तो वो डार्क सर्कल्स भी दिखाई नहीं है, विजिबल है। कहने का मतलब है हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है और विजिबल, यानी कि विजिबल है और ऑफकोर्स फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं, जबकि रेडिएशन ना दिखता है और ना ही उसे फील कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। जी हाँ, ये सारी चीजें इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करें, एंड आई एम श्योर जब ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे ना, तो लोग खुद अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे घर में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने हमें प्रॉब्लम को पहचान करा दी, आइडेंटिफाई करवा दिया, अब हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए। जब हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स में ज्यादा फोकस करेगा, बिकॉज छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमारा जो दिमाग है ना, फुल्ली ग्रोन अप अडल्ट और अबव 18 इयर्स जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, दिमाग हमारा तैयार है, पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन से लेके पैदा होने के पहले दिन से लेके 18 इयर्स 18 साल की उम्र तक उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, और इसी दौरान अगर इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए तो सोचिए उनका फ्यूचर भविष्य कितना बिगड़ सकता है। आज के वक्त में मैंने बहुत सारे मैसेज देखे हैं, फेसबुक पे फोटोज देखता हूँ, बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में अपने गोद में, बच्चों को पहले दिन लगते हैं उसके साथ में सेल्फी निकाल रहे हैं। सोचिए ये सारी चीजें ऑफकोर्स हंसी आ रही है पर गलत है, बिकॉज इतना सारे छोटे जिस बच्चे ने आज पहला दिन दुनिया का देख रहा है उसको आप गोद में रख के उसके साथ सेल्फी निकाल रहे हो, रेडिएशन का नुकसान उसके ऊपर कितना हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते, राइट? ये एक दिन नहीं, दूसरे दिन, फिर वापस दूसरे दिन निकालते हैं, तीसरे दिन निकालते हैं, लोग आते हैं वो अपने गोद में फोटो बच्चों को रखते हैं, फोटो निकालते हैं, ये सारी चीजें गलत प्रैक्टिस है, पर हम कर नहीं सकते उसके बारे में, लोगों को पता है ये सारी चीजें गलत है। बच्चे अगर 1 मिनट मोबाइल उनसे दूर लिया जाए ना, कितना ज्यादा चिड़चिड़ापन और इरिटेट हो जाते हैं, कितना ज्यादा वो चीखते चिल्लाते हैं, किसी चीज को लेकर बच्चे जिद कर रहे हैं, अगर हम उनकी जिद पूरी नहीं करते तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, चीखना चिल्लाना रोना, ये सारी चीजें, राइट? और हम चुप कराने के लिए बच्चों को तो फिर क्या करते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं आसानी से। जब बच्चों को सारी चीजें मोबाइल फोन और सारी चीजें देते हैं तो सोचिए बच्चे आसानी से चुप हो जाते हैं, हमने बच्चों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया, अटेंशन की तरफ बटोर लिया ताकि बच्चे चुप हो जाए, और खतरा हम उनके खुद हाथ में दे रहे हैं, जब हम बड़े ये सारी चीजें जानकार होने के बावजूद, ये सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद हम दे रहे हैं, जिम्मेदार होंगे भी छोटे बच्चों को मोबाइल फोन सब चीजों से दूर रखें। पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल में ये चीजें भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि पहले तो बच्चे स्कूल जाते थे, ट्यूशन पे जाते थे, तो मोबाइल फोन सारी चीजें नहीं जाते थे, उतना 5 घंटे स्कूल जा रहे हैं तो मोबाइल और सारी चीजें इस्तेमाल नहीं होती, पर आज स्कूल मोबाइल के अंदर आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन एग्जाम्स, और बच्चों को जबरदस्ती हमें मोबाइल या लैपटॉप या टैब के जरिए ऑनलाइन क्लासेस स्कूल अटेंड करना पड़ता है, और ये सारी चीजें जब कर रहे हैं तो रोजाना बच्चों का क्लासेस सब चल रहा है, तो सोचिए इसके ऊपर नुकसान कितना हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 3 ब्रेन की इमेजेस, एक 5 साल तक के बच्चे का, एक 10 साल तक के बच्चे का, और एक अडल्ट 18 साल से ऊपर के, और कानों के पास मोबाइल फोन है उसका रेडिएशन का एक्सपोजर कितना फैला हुआ है, एक 5 साल के बच्चे में ऑलमोस्ट 90% फैला हुआ है,
जबकि एक 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 60%, और जबकि एक फुली ग्रोन एडल्ट हम जैसे जो है हमारे ब्रेन में उसका रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो 40% है। क्यों? बिकॉज बच्चों का जो ब्रेन सेल का थिकनेस होता है ना बहुत ही भारी होता है। 5 साल का जो बच्चा रहेगा ना उसके ब्रेन सेल का थिकनेस होता है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि एक जो पेपर एक 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन सेल का थिकनेस 1 मिलीमीटर 1 mm, जबकि फुली ग्रोन अप हम जैसे एडल्ट जो है अबव 18 साल से हमारे ब्रेन सेल का थिकनेस होता है 2 मिलीमीटर, और इसी डिफरेंस की वजह से छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करता है। आज के वक्त में बच्चे चिड़चिड़ापन, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है। कितने पेरेंट्स में खास करके मम्मियों को बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ट्यूशन या स्कूल अटेंड कर साथ में बैठना पड़ा होगा। सभी लोग बैठते थे कि नहीं बैठते थे अपने बच्चों का, कि अकेला बच्चों को बिठा दिया और उन लोग क्लासेस अटेंड कर रहे थे? नहीं ना, सबको बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। स्कूल में तो ये प्रॉब्लम नहीं था, स्कूल में छोड़ के आगे टीचर कंट्रोल करती है, उनको हैंडल करती है, पर घर में बच्चे फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, एक जगह पर बैठते नहीं है कंटिन्यूसली, हमें मम्मियों को उनके साथ बैठना पड़ता है। और कई बार होता है कि बच्चे गायब होते हैं, मम्मी स्कूल अटेंड कर रही होती है। प्रैक्टिकल है ये सारी चीजें, सबके घर में हो रही है। यही सारी चीजें लोगों को बताइए कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल उनका बहुत कम हो चुका है, एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारे बचपन में तो हमें एक खिलौना मिलता था, वो भी जन्मदिन पे, मुझे याद है, मुझे मेरे बर्थडे पे एक साल में एक बार ही बर्थडे जन्म एक साल में जब आता ना तभी खिलौने मिलते थे, वो खिलौने को मैं पूरे साल पर इस्तेमाल करता था, तब भी बोर नहीं होते, टूट भी जाता ना तो उस टूटे हुए खिलौने से खेलते थे, नया खिलौना नहीं मिलता हमें, सबके साथ था ना ये सारी चीजें। पर आजकल के बच्चों के साथ ये होता है, अगर बच्चों ने कोई चीज के लिए खिलौने के लिए जिद कर दी, उसको खिलौना लेके दिया, कितने देर वो खिलौने से खेलते हैं बच्चे? 2 दिन, 2 घंटे, 2 घंटे, और 2 घंटे से बच्चे वो बोर हो जाते हैं खिलौने से, जो नया खिलौना उनके मन पसंद लेके दिया है, उसके बाद क्या आ जाता है उनके हाथ में? मोबाइल पे। कभी बच्चों को मोबाइल से दूर होते हुए बोर होते हुए देखा है? I'm sure कोई नहीं देखा रहेगा कि कभी बच्चे मोबाइल से बोर होते हैं, राइट? जिस घर में मम्मी डैडी बच्चों को मारते चिल्लाते भी है कि इतना मस्ती कर रहे हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अगर उन बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आ जाए ना, मम्मी पापा को भी पता नहीं चला कि घर में बच्चे मौजूद है, एक घर के कोने में शांति से बैठ जाएंगे मोबाइल में कुछ देखते हुए एप्लीकेशन करते हुए, राइट? ये सारी चीजें आपके बिल्डिंग में ही बच्चे जब नीचे जाके बैठते हैं, जमा होते हैं, तो 4 या 5 बच्चे 10 बच्चे जब जमा होंगे, क्या वो सब एक साथ खेल रहे होते हैं? एक साथ सब होंगे पर खेल नहीं रहेंगे, सबके इंडिविजुअली हाथ में एक एक मोबाइल फोन रहेगा और सब अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ गेम एप्लीकेशन ऑन कर बैठे होंगे। हो गए हमारे वक्त ये सारी चीजें थी नहीं, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं थी। हम तो बाहर जाके सुबह से रात तक गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, क्या क्या चीजें खेलते थे और थक के आते और सो जाते, हमें कभी सरदर्द महसूस नहीं। पर आजकल के छोटे बच्चे सरदर्द जैसी चीजें महसूस करते हैं। ये सारी चीजें लोगों को जानते दीजिए कि छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल एडिक्शन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ बच्चों में ADHD जो आपने देखा इसके बारे स्क्रीन में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जैसे बीमारी जिसके लक्षण मैंने आपको बताए, और ऑटिज्म जैसी बीमारी जहां पर बच्चे अपने ही बड़ों के सामने खुल के बोल नहीं पाते, पेरेंट्स के सामने बड़ों के सामने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अकेले रहना ज्यादा प्रीफर करते, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइजिंग नहीं करते। आपके बच्चों के कितने फ्रेंड्स हैं? कोई माँ बाप जानता है यहाँ पर कि उनके बच्चों के कितने फ्रेंड्स हैं? 1, 2, 4, 5 नहीं, मैं कहता हूँ 100, 200, 500 फ्रेंड्स है। चेक करिएगा कहाँ पर? ऑनलाइन वर्ल्ड में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कभी देखिएगा उनके जो फॉलो करते हैं ना उनके अकाउंट होंगे 400-500 फ्रेंड होंगे, पर लाइफ में, रियल लाइफ में कोई एक उनका खास फ्रेंड है जिससे अपनी मन की बात शेयर कर पाए? नहीं। ये सारी चीजें ये जानकारी लोगों को दीजिए, बिकॉज बच्चे आजकल में अकेले अकेले रहना ही प्रिफर करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और मैक्सिमम डिप्रेशन केसेस 10 साल से उम्र के लेके 24 साल की उम्र के इस एज ब्रैकेट में आप देखेंगे, मैक्सिमम ये जो एज ब्रैकेट है ना बिटवीन 10 इयर्स टू 24 इयर्स, इसमें मैक्सिमम डिप्रेशन केसेस पाए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े उम्र के लोगों में डिप्रेशन केसेस नहीं हो रहे, ऑफकोर्स, पर साथ ही साथ ये मैक्सिमम केसेस इन बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों से जानकारी शेयर करें, और ऑफकोर्स जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं थोड़ी सी हंसी भी आएगी आपको तस्वीर देख के कि ये क्या तस्वीर दिखा रहे हैं सर, एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है और दूसरे बच्चे के हाथ में है मोबाइल फोन। अब अगर मैं आप सभी से यहाँ पर पूछ लूँ कि कौन सी तस्वीर गलत है, सिगरेट वाली या मोबाइल फोन वाली, तो क्या जवाब होगा आपका? दोनों गलत है, क्योंकि सब आप जानकार है, नॉलेज आपके पास। ऑफकोर्स सही बात है कि दोनों ही तस्वीर गलत है। सिगरेट वाली जो तस्वीर है वो इसके लिए गलत है क्योंकि उससे होने वाला नुकसान डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, विजिबल है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर किसी बच्चे ने कोई चीज के लिए जिद करी और उन्होंने उनकी जिद पूरी नहीं की तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? चीखना, चिल्लाना, रोना, जिद करना, बच्चे सड़क पर ऐसे हरकतें करते हैं, हमें भी शर्म आता है। उस वक्त हम बच्चों को क्या सिगरेट थमाते हैं हाथ में चुप कराने के लिए? नहीं करेंगे नहीं, और करना भी नहीं कभी। पर मोबाइल जैसे मैंने कहा ना थमा देते हैं ताकि बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हम करते हैं, अपने बच्चों के हाथ में खुद खतरा दे रहे हैं।
मोबाइल से होने वाला नुकसान आज विजिबल नहीं है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 5 साल, मेरी 10 साल बाद ये सारी चीजें बच्चों के ऊपर इतने नुकसानदायक होंगे कि इससे होने वाला नुकसान आप सोच भी नहीं सकते। और कल को जब 10 साल बाद अगर आपको पता चले कि आपके बच्चों को कोई किसी को भी बच्चों को ऐसे बीमारी हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो सोचिए उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमें ये सारी जानकारी होने के बावजूद अगर हमें सारी चीजें कर रहे हैं तो नेचुरली जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो इसलिए जितना हो सके बच्चों को मोबाइल फोन सारी चीजों से दूर रखें, देते वक्त एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए, पर शायद वो भी नहीं कर सकते आज के वक्त में। तो सॉल्यूशंस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ चीजें दे देना, बिकॉज टेक्नोलॉजी आज के वक्त में जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, नुकसान भी है। होते ना, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। तो फायदे हैं तो नुकसान भी है, फायदा तो हम सब ले रहे हैं राइट, पर जो नुकसान हो रहा है वो कोई लोग समझ नहीं पा रहे, और इसीलिए उससे होने वाला नुकसान से बचाव करने के लिए सारी चीजें का सॉल्यूशन हमारे मोदी केयर में मौजूद है। मोदी केयर का हम आपकी बात में कैसे विश्वास करें, हमें कुछ प्रूफ दीजिए, रेफरेंस दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जो ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं वो आपसे मानने को तैयार नहीं होते, तो ज्यादातर ये सारी चीजों के लिए तो रेफरेंसेज हमारे पास है। सबसे पहला रेफरेंस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो है WHO रिपोर्ट। WHO सब जानते हैं ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 10 साल पहले 2011 में ये चीज कह चुका था WHO कि IARC के साथ कि रेडिएशन के जरिए कैंसर हो सकता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि कैंसर होगा, कैंसर हो सकता है, ये चीज 10 साल पहले कहा था। और सोचिए सारी चीजें 2015 में 190 साइंटिस्ट 39 देशों से साथ मिलकर आए, स्टडी किया, रिसर्च किया, और जो पेपर सबमिट किए एज अ अपील यूनाइटेड नेशंस को, सेक्रेटरी जनरल को, वो अपील उन्होंने सबमिट की जिसमें लिखा था कि रेडिएशन के जरिए कैंसर होता है। और इसमें सबसे जरूरी खास बात यह है कि कोई अकेला देश या साइंटिस्ट नहीं था, 190 साइंटिस्ट, कुछ इतने सारे लोग एक साथ मिलकर आए थे, और 39 कंट्रीज यानी कि 39 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये सबसे जरूरी चीज है। इंडिविजुअल डॉक्टर्स इसमें जो स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर है एंड्रू वेल, जिनका नाम आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, और ऑफकोर्स वो बहुत बड़े MD हैं, डायरेक्ट बहुत बड़े डॉक्टर हैं अमेरिका में, वो 8 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, उनका सारी की सारी किताबें बेस्ट सेलिंग किताबें हैं राइट। उनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रदूषण है वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है, जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है, और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर सकते। दैट इज व्हाट ही सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी हैज प्रोड्यूस्ड दिस सेंचुरी, ऑल द मोर डेंजरस बिकॉज इट्स इनविजिबल एंड इनसेंसिबल, दिखाई नहीं देता और ना महसूस कर सकते हैं। एक और डॉक्टर है डॉक्टर मैगडा हवर्स, ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़ी डॉक्टर साइंटिस्ट है, इंडिया में जनवरी 2021 को उन्होंने विजिट किया था, और हमारे कंपनी के जो MDs एंड डायरेक्टर्स हैं, अजय पोदार सर हमारे, और जो हमारे प्रणव पोदार सर हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनका उनसे मिलना भी हुआ था। बिकॉज उन्हें जब पता चला वो कि इंडिया में हमारी जो कंपनी है साइनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेडिएशन कंसेप्ट पे काम करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उन्होंने खास इस पे जब मालूम पड़ा तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर्स और इनसे मिलना भी हुआ था, उनकी मीटिंग हुई थी, तो उनके साथ फोटोज भी थे उनका खुद का। वो डॉक्टर मैगडा हवर्स जो है वो कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर सिगरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि उनका कंपैरिजन वो करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो 21वीं सदी के सिगरेट्स के बराबर है, इतना खतरनाक है। पहले सिगरेट्स को एक कैटेगरी में रखा गया था, कैटेगरी ग्रुप 2B, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट, ग्रुप 2B कैटेगरी, यानी कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, पॉसिबली कैंसरियस कैटेगरी, कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। आज सिगरेट इस ग्रुप 2B कैटेगरी में नहीं है, ग्रुप 2A में है, यानी कि और भी ऊंची कैटेगरी में, जहां पर उसको कहा गया था श्योरली कैंसरियस, यानी इसे 100% कैंसर होगा। आज मोबाइल फोन रेडिएशन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी कैटेगरी में ग्रुप 2B पर, हो सकता है आने वाले 5 साल या आगे कुछ सालों में इसको भी इस कैटेगरी से हटा के ऊपर हायर कैटेगरी में डाल दिया जाए और बताया गया है कि श्योरली कैंसरियस। तो ये सारी चीजें लोगों को जानते दीजिए, बड़े बड़े देश जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। फ्रांस, इजराइल, इटली, ताइवान, स्पेन, बेल्जियम क्या कदम उठा चुके हैं, फ्रांस ने, इजराइल ने, इटली ने, यहाँ तक कि ताइवान जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के नर्सरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन, स्कूल होते हैं ना, वहां पर वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस को बैन कर दिए, यहाँ तक कि स्कूल के आसपास के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल एंटीनास लगाने से मना कर दिया है। सोचिए ये कदम बड़े बड़े देश उठा रहे हैं, और हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ है ऐसा कदम नहीं ना, हमारे तो घर के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। और तो और ऑफकोर्स इसके अलावा कनाडा एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पास किया कि जहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे लिमिट के अनुसार रेस्ट्रिक्शन लगाए गए उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पे, और ये सारी चीजें की गई है, जो कनाडा ने कदम उठाया। बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में मोबाइल फोन कंपनीज को ये
ऑर्डर्स दिया, इंस्ट्रक्शंस, आदेश दिया कि जब भी वो नया नया मोबाइल फोन लॉन्च करते हैं ना, मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उस मोबाइल फोन के एडवर्टाइजमेंट्स में प्रमोशंस के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल न करें प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट में। सोचिए ये सारी चीजें बड़े बड़े देश कदम उठा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। आई एम श्योर ये सारी चीजें बच्चे ये जानता नहीं है। और सबसे बढ़िया रेफरेंस है वो है हमारे घर में मौजूद हमारा मोबाइल फोन मैनुअल। कितने लोगों ने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है, सच्ची बताइएगा, 1, 2, 3 राइट, बहुत अच्छी बात है। इतने अगर यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ कि जितने भी लोग बैठे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 इधर बैठे, 100 यहाँ बैठे, 200 लोग में से आप देख सकते हैं कि 3 लोगों ने हाथ ऊंचा करके बताया। सोचिए अगर आप अपने खुद के आसपास में 100 लोगों को भी जानकारी पूछते हैं ना कि मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है क्या, आपको मैक्सिमम 97 या 98 लोग आपको जवाब देंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है। सिर्फ 2 या 3 लोग होंगे हमने पढ़ा है, पर वो भी सही तरह से अभी याद नहीं है क्या लिखा था उसके अंदर। मोबाइल फोन मैनुअल में कुछ जरूरी चीजें होती है कि सबसे पहले जब भी आप फोन पे बात करें अपने कानों में ईयरफोन इस्तेमाल करें। मैं ईयरफोन की बात कर रहा हूँ, वायर वाला ईयरफोन जो मोबाइल पे वायर पे कनेक्ट करते हैं, ना कि ब्लूटूथ, बिकॉज ब्लूटूथ जो हम लगा के गले में कनेक्ट करते हैं या ब्लूटूथ ईयरफोन वो भी रेडिएशन एमिट करता है। 10% ब्लूटूथ का रेडिएशन हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है 10% तक, इसलिए वायर वाला ईयरफोन इस्तेमाल करें। किसी कारण की वजह से अगर आप ईयरफोन नहीं इस्तेमाल कर पाते तो अपने मोबाइल को अपने कानों से तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर दूर रखें। हम किस तरह से बात करते हैं अपने कानों को मोबाइल फोन को, इस तरह से कानों से लगा के, कहने का मतलब है कि अपने कानों से मोबाइल फोन को थोड़ा सा गैप रखें, कान और मोबाइल के बीच में 1.5 से 2 सेंटीमीटर। मैं यही कह रहा हूँ इतना दूर रखें, चिप चिप के चिल्ला के जोर से बात करें ना, पर थोड़ा सा 1.5 से 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा दूरी रखें, कानों से चिपका के ना रखें, एक जरूरी चीज सबसे। और तीसरा जरूरी चीज, जितने कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। और सबसे आखिरी में जरूरी चीज जो है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रति घंटे सिर्फ 6 मिनट होना चाहिए, 6 मिनट्स पर अवर। सजेस्टेड टॉक टाइम जो है ना, इधर लिखा गया है कि रिकमेंडेड टॉक टाइम शुड नॉट एक्सीड 6 मिनट्स पर अवर, यानी कि 6 मिनट से प्रति घंटे मोबाइल में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। कितने लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, प्लीज ईमानदारी से आप उठा करके बताइए। मैम आप सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे बात करते हैं फोन पे, हर घंटे 6 मिनट, हर घंटे नहीं, 2 घंटे में एक बार, बहुत कम यूज होता है, फिर आपको इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है घंटे। अच्छी बात है मैम, अगर आप इतना कम यूसेज करते हैं तो बहुत अच्छा चीज है, पर नॉर्मली ऐसे कोई एक्सेप्शन केसेस होंगे, पर ज्यादातर आप देखें तो हम में से कितने सारे लोग ये फॉलो नहीं करते सारी चीजें। और जब हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते तो सावधानी करना जरूरी, बिकॉज हम हमारे जब फोन आ जाते हैं ना, घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, बॉस, क्लाइंट, कस्टमर, उनको ये नहीं हो सकती कि अब 6 मिनट हो चुका है, अब अगले घंटे 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, जब ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते तो नेचुरली मोबाइल फोन्स का जो नुकसान है हमारा शरीर उसको 6 मिनट प्रति घंटे तक ही झेल सकता है। इससे एक आप लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कि अगर मोबाइल फोन में से इतना रेडिएशन आता है तो मोबाइल कंपनी उसको अपने मोबाइल के अंदर इंबिल्ट क्यों नहीं कर देती है, आता कि नहीं आता सवाल, आता है ना। तो ये सवाल का जवाब है कि जैसे कि हर एक के यूनियन होते हैं, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, इंडियन रेलवे में उनका यूनियन है, तो जैसे ही मोबाइल कंपनीज के भी यूनियन उनका जो है, और उनको ये आदेश देने वाला कौन है बताएं, ट्राई इंडिया में TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया के बाहर अमेरिका में मौजूद FCC यानी फेडरल कमीशन कमेटी, जहां से वहां से उनको जब तक ये आदेश नहीं आते ना ये सारी चीजों का, तो वो अपने मोबाइल के अंदर इंबिल्ट नहीं कर सकते ऐसी कुछ चीजें एनवायरनशिप जो हमने हमारी कंपनी ने जब एनवायरनशिप प्रोडक्ट बनाया ना, सबसे पहले हमने मोबाइल कंपनीज को जाके अप्रोच किया, उनके पास गया और कहा कि ये प्रोडक्ट आप अपने मोबाइल के अंदर ही इनबिल्ट कर दीजिए ताकि लोगों को इसका नुकसान ना हो। उन्होंने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, पर हम इसको इनबिल्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमें अप्रूवल चाहिए जब हमारे हेड से नहीं आएगा, हम उनका रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे मोबाइल फोन कंपनीज हमारे पे फेस कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। अगर ये सारी चीजें हैं तो लोग बोलते हैं फिर मोबाइल फोन का कंपनी खुद ये क्यों नहीं बताती कि मोबाइल फोन से इतना खतरा है। अगर मुझे बताइए कि मोबाइल कंपनी खुद आपको बोले कि हमारे मोबाइल से रेडिएशन आ रहा है, ये सारी बीमारी होती है, आपका मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, सारी मोबाइल कंपनियां बंद हो जाएंगी, सारे ऑपरेटर्स बंद हो जाएंगे, राइट, ये सारी चीजें, हम आज ही मोबाइल छोड़ देंगे। जैसे कि सिगरेट कंपनीज के बॉक्स पे, सिगरेट बॉक्स पे लिखा रहता है स्टैचुरी वार्निंग कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, तो ये सारी चीजें, पर सिगरेट को बैन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, टैक्स सबसे ज्यादा मिलता है, सही बात है, बिकॉज सिगरेट के अंदर टबैको यानी तंबाकू जो होता है ना उसके ऊपर जो टैक्स मिलता है ना गवर्नमेंट को, जो जमा होता है पैसा जमा होता है टैक्स के जरिए, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट उसे नकार नहीं सकती, मना नहीं कर सकती, पैसा कहां से कमाएगी। तो यही चीज यहां पर भी लागू होता है कि अगर खुद मोबाइल कंपनी बोल दे तो फिर मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा, सारी चीजें हो जाएगी, तो मोबाइल ये सारी चीजें पैसा कहां से आएगा, ये सारी चीजें। तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि मोबाइल फोन कंपनी को उन्होंने कहा कि मैनुअल्स के अंदर ये सारी चीजें लेके, पर हम वो भी नहीं पढ़ते, राइट। कई बार लोग बोलते हैं हमारा तो बहुत ही लेटेस्ट
अपडेटेड टॉप ब्रांड का मोबाइल फोन है, हमारे मोबाइल से कोई रेडिएशन नहीं आ रहा है, ऐसा चीज अगर कहते ना तुमने बताइए गलत, क्योंकि वो सिर्फ आपको अवॉइड कर रहे हैं। कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, ज्यादा सा बेसिक वो क्वालिटी मोबाइल फोन आता ना सादा सा वो फोन हो, या फिर ऊंचे से ऊंचा लेटेस्ट टॉप ब्रांड का मोबाइल फोन क्यों ना हो, कोई भी कंपनी ब्रांड का, सभी मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है। मोबाइल में सिग्नल है तो रेडिएशन है, अगर सिग्नल नहीं होगा यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा है या तो फिर एयरप्लेन मोड में रखा है, तब आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो रेडिएशन नहीं है, और फिर ऐसे वक्त में मोबाइल किस काम का, कॉल्स आएंगे नहीं, मैसेजिंग आएंगे नहीं, 4G चलेगा नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें, तो जब मोबाइल में सिग्नल है 100% रेडिएशन है, और मोबाइल में वो कहते हैं ना कि हमारे इनबिल्ट ये बना हुआ है, तो उनका कहने का मतलब होता है कि जो मोबाइल में होता है स्टार वैल्यू, सब जानते हैं स्टार वैल्यू, आप अपने मोबाइल में एक नंबर डायल कर सकते हैं, विच इज द नंबर इज स्टार हैश 07#, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर बाद में चेक कर सकते हैं, नंबर है स्टार हैश हैशटैग दैट इज 07#, जब नंबर आप डायल करेंगे तो आपके मोबाइल में स्टार वैल्यू आ जाएगा। हर एक मोबाइल ब्रांड अलग है, मॉडल अलग है, हर एक मोबाइल ब्रांड में उसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगे, किसी के मोबाइल में 0.19 वाट्स पर केजी, किसी के मोबाइल में 0.39 वाट्स पर केजी, किसी के मोबाइल में 0.89 वाट्स पर केजी, 56 वाट्स पर केजी, 1.18 या 1.36 वाट्स पर केजी तक के वैल्यू होंगे। ये जो अलग अलग वैल्यू सबको आ रहे हैं ना, हेड एसएआर, बॉडी एसएआर, ये सारे वैल्यूज अलग होंगे। नंबर फिर से दोहराता हूं, स्टार हैश 07#, हेड एसएआर, बॉडी एसएआर, दो वैल्यूज अलग आएंगे या कंबाइन नहीं आ जाएगा, ये सारे वैल्यूज में लिखा रहेगा कि ये जो वैल्यूज है ना, जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है 1.6 वाट्स पर केजी, उसके मुताबिक कम है, तो क्या हम सेफ है? यस, हम सेफ है, पर कब तक? जब तक हम सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब तक के लिए, उससे ज्यादा हमारा शरीर झेल नहीं सकता रेडिएशन का नुकसान, यानी कि हमारे शरीर में उसका नुकसान होने लगता है। तो ये लोगों को जानते दीजिए जो आपको बताते हैं कि हमारे मोबाइल में तो हम सेफ है, हमें रेडिएशन का खतरा नहीं है, तो कोई भी सेफ नहीं है, राइट। ये सारी चीजों के साथ लोगों को जानते दीजिए, और ऑफकोर्स मोबाइल फोन मैनुअल्स के अलावा आईपैड, टैब्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीजें भी जरूरी चीजें कहते हैं, उसके मैनुअल्स को जरूर पढ़ें, और उससे होने वाला जो मैनुअल्स में जानकारी दी है उसको लोगों तक पहुंचाइए। और ऑफकोर्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतने सारे देशों की हमने बात की ना, एक देश और है और वो है अमेरिका। अमेरिका ने अपने कैलिफोर्निया में बर्कली सिटी नाम का एक शहर है जहां पर एक लॉ पास किया है जिसका नाम है सेल फोन रेडिएशन राइट टू ऑर्डिनेंस। और इस लॉ के दरमियान जितने भी कस्टमर मोबाइल की दुकान में जब नया नया मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, उन्हें एक वार्निंग लेबल प्रिंट करके दिया जाता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उस वार्निंग लेबल पे लिखा जाता है कि जो आप जो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं ना, वो मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, इसके एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर रिस्क बढ़ सकता है, बच्चों से इसको दूर रखें, गर्भवती महिलाएं इसको संभाल के इस्तेमाल करें। ये सारी जानकारी मिलने के बाद उन्हें मोबाइल फोन खरीदने के लिए अलाउ किया जाता है। क्या ये कदम हमारे देश में उठाया गया कहीं पर? हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कोई वो दुकानदार हमें मोबाइल का मैनुअल या कुछ चीजें जाके देता है कि ये इसे खतरा है? नहीं ना, वो तो हमारे मोबाइल के साथ और बहुत सारी चीजें हमें दे देता है कि ये भी लीजिए, ये भी लगाइए, ये दबाइए। हम जब अपना मोबाइल फोन नया भी खरीदते हैं, 10,000 का बेसिक मोबाइल फोन हो या फिर 1.5 लाख का टॉप ब्रांड का कोई भी मोबाइल फोन क्यों हो, 1.5-2 लाख का, उसके ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, कवर लगाते हैं, सारी चीजें खर्चा करते हैं, 1,000-2,000 और एडिशनल खर्चा कर देते हैं, एक छोटा सा एनवायरो चिप जिसका दाम कितना है 699 रुपीज, वन टाइम कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट, उसका लाइफ टाइम है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, क्यों नहीं कर सकते अपने आप को आगे चल के लाखों पैसे खर्च करके बीमारियों से बचाने के लिए, ये सारी चीजें आज क्यों इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये चीज लोगों को बताइए ऑफकोर्स। और सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, विच इज ऑफकोर्स एनवायरो ग्लो। क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? बिकॉज आज के वक्त में जो मोबाइल कवर्स पहले सिर्फ सड़कों पे हुआ करते थे, आज हमारे बिल्डिंग के छत के ऊपर है, घरों के टेरेस पे आ चुके हैं, हमारे और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं, घर में इन प्रकार का जो रेडिएशन आ रहा है, हाई टेंशन केबल लाइंस और मोबाइल फोन कवर जिसका कंट्रोल आप नहीं कर सकते, अगर आपके पड़ोसी ने अपने छत के ऊपर, बिल्डिंग के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना लगाया था, आप उनको बोल सकते हैं निकलवा दीजिए? नहीं ना, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, बिकॉज उसका रेंट का चार्जेस मिल रहा है और उनको पैसा कमाना है। वो कई बार सोसाइटी से उसको लगाते हैं, बिकॉज उनको मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो पैसों से मेंटेनेंस कम हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। पैसा कमाने के चक्कर में हम ये नहीं देख रहे कि हमारे हेल्थ के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है या आसपास के लोगों के ऊपर इसका क्या नुकसान हो रहा है, राइट। इससे कहते हैं अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, और साथ ही साथ हमारे घर में आसपास में जो मौजूद वाईफाई राउटर्स के सिग्नल आते हैं, जो नेबर्स के घर से पड़ोसी से आ रहे हैं, उसे कहा जाता है अननोन सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद है, हमें पता नहीं है। तो इन सब रेडिएशन से बचाव करने के लिए मोदी केयर में इसका सॉल्यूशन है, विच इज मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे सबके घर में, राइट। और जैसे कि ककू एयर प्योरीफायर के साथ सबको पता है कि ऑफर चल रहा है कि उसके साथ एक एनवायरो ग्लो भी फ्री मिल रहा है, तो राइट, ये भी एक ऑफर है, लोगों को बताइए। साथ ही साथ एनवायरो चिप मोदी केयर का पिछले 5 सालों से मोदी केयर में है, 2016 से, और पिछले 5 सालों में आपने सभी लोगों ने
लाखों लोगों को इसको जानकारी दी है, लाखों लोग अपने घर में मोबाइल फोन पे मोदी केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि अब हमारे मोदी केयर में सॉल्यूशन है विच इज मोदी केयर का एनवायरनमेंट फॉर लैपटॉप टैब और वाईफाई राउटर। कब लॉन्च हुआ था ये कोई जानता है? कोरोना काल में, पर कब? मई महीने में 2021 में, यानी यहाँ से 6 महीने पहले मई 2000 तारीख बताना चाहूंगा 26 मई 2021 को, राइट राइट, ये चीजें लॉन्च हुई थी। जो लोग इतने महीनों से डिमांड कर रहे थे, साल से मैं जब ट्रेनिंग करा था मुझे मैम भी कहती थी, बहुत सारे लोग वह कहते थे और भी लोग थे, सर आपके लैपटॉप पे एनवायरनमेंट चिप लगा हुआ है, हमारे लैपटॉप पे क्यों नहीं है, हमारे मोदी केयर में कब आएगा लैपटॉप? अब उन्हें बताइए कि लैपटॉप के लिए टैब के लिए वाईफाई राउटर के लिए एनवायरनमेंट चिप मौजूद है और आ चुका है। जिन लोगों को आपने एनवायरनमेंट चिप मोबाइल के लिए दिया है उन्हीं को प्रमोट करिए कि वो घर में जो लैपटॉप टैब इस्तेमाल करते हैं वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी हमारे पास एनवायरनमेंट चिप मौजूद है। और वो किस प्रकार का है? जो तीन पीस का सेट आता है, सेट ऑफ थ्री पीसेस, एक दो और तीन, स्क्वायर वाला बड़ा सा चिप जो इस प्रकार स्क्रीन के पीछे बैक साइड में लगा सकते हैं, मेरे लैपटॉप पे भी देख सकते हैं जो लगा हुआ है, और ये जो छोटे चिप्स हैं एक और दो वो लगेंगे लैपटॉप के बेस में यानी कि नीचे के हिस्से में बैटरी की तरफ साइड्स के सेंटर में। इस प्रकार से आप एनवायरनमेंट चिप मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं जो तीन पीस का सेट आता है, राइट। कई बार मुझे सवाल आया कि सर एनवायरनमेंट चिप हमने लैपटॉप खरीदा तीन है तो क्या वो तीन अलग अलग लैपटॉप पे लगाए जाएंगे? जी नहीं, एक ही सिंगल लैपटॉप के लिए। और किस तरह से लगाना है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिमिलरली टैब या फिर वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक सिंगल एनवायरनमेंट पता है स्क्वायर वाला बड़ा था टैब के बैक साइड में, जैसे मोबाइल के पीछे लगाते हैं वैसे टैब के या आईपैड के पीछे लगा दीजिए, और अगर वाईफाई राउटर पे लगा दें तो वाईफाई राउटर जो लगा होगा उसके टॉप पोर्शन पे सेंटर के बीचों बीच से लगा दीजिए, यानी कि एनवायरनमेंट मोबाइल लैपटॉप टैब वाईफाई राउटर सभी के लिए मौजूद है। पर काम करने का जो तरीका है ना वो सेम है, यानी कि रेडिएशन से होने वाले नुकसान से हमें हमारा बचाव होता है, सुरक्षित रहता है। हमारे लाइफ में स्ट्रेस का कारण क्या है कोई बताना चाहेगा? मैम काम, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके और क्या कारण है हमारे लाइफ में स्ट्रेस का? तनाव कहाँ कहाँ से आता है हमारे लाइफ में, टेंशन कहाँ कहाँ से आते हैं? एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा? मोबाइल का तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। मोबाइल के अलावा अगर हम किससे काम, यस एब्सोल्युटली, देखिए फैमिली प्रॉब्लम अगर हमारे रिश्तों में अनबन सही नहीं चल रहा हो, हमारा शॉप है कस्टमर नहीं आ रहे, बिक्री नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, हमारा जॉब है जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं कंपनी कल को कब निकाल दे, बिकॉज कोरोना में तो आपने देखा कितना नुकसान हुआ है लोगों का, कितनी कंपनियां बंद हो गई, किसी को सैलरी नहीं मिला, कितने लोगों को बिन सैलरी के काम करना पड़ा है, जॉब बंद निकाल दिया जॉब से, कंपनी बंद हो गई, ये सारी चीजें, यानी इन सबका भी टेंशन रहता है। इसके कारण जो टेंशन के स्ट्रेस तनाव हमारे शरीर में आ रहा है ये तो एक कारण है ही, पर इसके अलावा स्ट्रेस यानी कि तनाव का एक और कारण है जो हमारे शरीर में आया वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उपकरण जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन लैपटॉप टैब वाईफाई राउटर, हमारे आसपास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रेडिएशन एमिट करते हैं और ये रेडिएशन से हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव, यानी कि रेडिएशन हमारे शरीर में बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा करता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, जानते हैं ना ये सब सेल्स यानी कि कोशिकाएं, और जो इतने लाखों करोड़ों सेल्स हैं वो सेल्स जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना हमारे शरीर के अंदर उनका कम्युनिकेशन पैटर्न ये है रैंडम वेव्स, जिसको हम अक्सर कहाँ देख सकते हैं हमारी दिल की धड़कने, जब हम ईसीजी निकालते हैं अपने हार्ट का उस ईसीजी के स्लिप पे हमें ये रैंडम वेव्स दिखाई देता है, कभी ऊपर जाते हुए कभी नीचे कभी कम कभी ज्यादा वापस ऊपर गया ऊंचा है, राइट। ये हमारा शरीर का पैटर्न यानी कि चेंज हो रहा है, एक तरीका नहीं है सिमिलर नहीं है, जबकि हमारे शरीर का पैटर्न उस तरह का है रैंडम वेव्स, और रेडिएशन का पैटर्न ये है कॉन्स्टेंट वेव्स, आप देख सकते हैं एक ही प्रकार का कॉन्स्टेंट है, बदल नहीं रहा है, सेम ही है, ये फर्क है ये चीजों में। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कविश के साथ फोन पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरी और कविश के बीच में यहाँ पर बात हो रही है और हम दोनों दूसरे से अच्छे से फोन पे बात कर पा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, राइट, हम एक दूसरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं, पर अगर इस बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी का क्रॉस कनेक्शन लगता है तो क्या होगा, हमारे बीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ना कविश मुझे सुन पाएंगे ना मैं कविश को सुन पाऊंगा, और इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यही चीज हमारे शरीर के साथ हो रहा है, सिंपल से सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल प्रोडक्ट है पर ये हमारे शरीर में रेडिएशन कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, हमारे शरीर में अंदरूनी कम्युनिकेशन जो सेल्स के जरिए हो रहे हैं कोशिका के जरिए वो सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है, जब सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है टूट जाता है, और कम्युनिकेशन ब्रेक होता है फिर से वो कम्युनिकेशन को जोड़ना पड़ता है ना, जो तारों को जोड़ना पड़ता है जैसे कहते हैं ना, वैसे ही कम्युनिकेशन को जोड़ने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है जद्दोजहद करनी पड़ती है उसी को कहा जाता है शरीर स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा कर रहा है। तो ये चीज लोगों को पता है कि रेडिएशन हमारे शरीर में बायोलॉजिकली नुकसान पहुंचा रहा है, स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है, और यही चीज है कि हम रेडिएशन को कहीं पर भी रोक नहीं रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मुझे बहुत सारे रोजाना फोन आते हैं, रोज एब्सोल्युटली एवरीडे लोग बोलते हैं सर
हमें कुछ ऐसी चीज बताई कि हम रेडिएशन को माप सके, हमने उनको रेडिएशन मीटर बताया, ये सारी चीजें बताई, वो मानने को तैयार नहीं होता, उसको रेडिएशन कितना कम हुआ ये लोगों को बताइए। मैडम एनवायरनमेंट लगा दीजिए, इससे रेडिएशन कम होता है। जैसा आपने कहा ना कि रेडिएशन कम होता है, तो सामने वाले के दिमाग में आता है कि अगर रेडिएशन कम होता है तो पहले हमें बताइए कितना है, इसके लगाने के बाद कितना कम हुआ। और हम रेडिएशन को कम नहीं कर रहे, क्यों? कारण है उसका साइंस। साइंस कहता है कि जो ऊर्जा होती है एनर्जी, एनर्जी को न कम कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, न ब्लॉक कर सकते हैं। और रेडिएशन ये भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो न कम कर सकते हैं, न ब्लॉक कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, तो हम रेडिएशन को कम नहीं करें। अगर हम कम करने की बात करें, रोकने की, हम ब्लॉक करने की बात करें, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप सारी चीजें सही तरह से काम नहीं करेंगे, और सही तरह से काम नहीं करेंगे तो फिर किस फायदे के? तो हम रेडिएशन को उसके नुकसान से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है, तो हम रेडिएशन के नेचर को बदल रहे हैं, नेचर को। जी हाँ, रेडिएशन का नेचर इस प्रकार का है, कॉन्स्टेंट, और उस एनवायरनमेंट उसे इस प्रकार बदल देता है ताकि हमारे शरीर उसको समझ सके और हमारे शरीर में डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि ये सारी चीजें हैं, लोगों को जानते दीजिए, उन्हें बताइए कि रेडिएशन को ना कम किया जा सकता है, ना ब्लॉक कर सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं। अब साथ ही साथ एनवायरनमेंट इसके अंदर क्या चीज है, किस चीज का बना हुआ है, सबसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग बोलते हैं सर इसके अंदर है क्या ये चीज, कई लोग उसको काटते हैं, तोड़ते हैं, जलाते हैं, क्या क्या फोटोज भेजते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ यार, क्यों अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं इतना सारा। हाँ, कुछ ही दिन पहले बोलते हैं वैसलीन लगा हुआ है, हमने निकाल के देखा वैसलीन। आई एम सो सॉरी बट मेरे पास इसका जवाब नहीं है। एब्सोल्युटली बता दूं कि एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में कोई सर्किट नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। सिम कार्ड देखा है आप कभी ने? सिम कार्ड के दूसरे साइड में सर्किट होता है, राइट? और जैसे वो सर्किट दिखाई देता है, हम उसको अगर मोबाइल में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और फिर मोबाइल ऑन करते हैं, वो सर्किट का कनेक्शन हो जाता है आसपास के मोबाइल टावर से, जिससे सिग्नल मिलता है, सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अंदर तो वो भी नहीं है, सर्किट्स नहीं है, कोई बैटरी, वायरिंग, सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT, इनर्ट मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो अपने आसपास के सराउंडिंग में रिएक्ट नहीं करते, साइड इफेक्ट्स नहीं होता उसका हमारे शरीर में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। और यही सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए, इनर्ट मटेरियल्स जैसे कि सॉलिड रॉक्स, बहुत कीमती पत्थर आते हैं महंगे महंगे प्रकार के, जिसका केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं होता ओपन एनवायरमेंट में। अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स आते हैं, बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट पहनते हैं, क्रिस्टल्स अपने जेब में कैरी भी करते हैं, मैंने देखा है, राइट? और अपने घरों में भी क्रिस्टल्स लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे क्रिस्टल्स आते हैं ये, तो इन चीजों का अलग अलग, जैसे क्रिस्टल्स का एग्जांपल दिया मैंने, सॉलिड रॉक्स, कीमती पत्थर आते हैं, इनका ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन से, प्रमाण से, मात्रा से उसको मिक्स किया गया ना, फॉर्मुलेशन जिस तरह से उसको बनाया गया, ये फॉर्मुलेशन पेटेंट रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके। बिकॉज आज के वक्त में कोई भी चीज मार्केट में नहीं आ जाए ना, सुबह अगर नई चीज आ गई शाम तक वो डुप्लीकेट हो जाती है, इतना फास्ट होता है टेक्नोलॉजी आज के टाइम में, डुप्लीकेट हो जाता है। और अफकोर्स हम सब जानते हैं कौन सा देश में माहिर है सारी चीजों में, राइट? सुबह कुछ नया प्रोडक्ट आता है, शाम को वो तैयार मिलेगा हमें डुप्लीकेट कुछ और नाम से। तो ये सारी चीजें इसलिए उसको गवर्नमेंट के साथ, यानी कि भारत सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पेटेंट रजिस्टर किया हुआ है। अब ये सारी चीजें हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, बटन ऑन ही इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं क्या है वो? एनीबॉडी? गोल्ड, सोना। सोना जो है ना, गोल्ड, वो एक इनर्ट मटेरियल में गिनती की जाती है। हमने स्कूल में केमिस्ट्री में टेबल पढ़ा था, उस टेबल में इनर्ट मटेरियल्स की भी थी, जैसे बहुत सारी चीजें, तो उसमें से गोल्ड यानी सोना भी एक प्रकार का इनर्ट मटेरियल है, जिसका आप देखिए केमिकल्स डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ओपन एनवायरमेंट में कभी खराब नहीं होता है। चांदी कुछ दिनों में हवा में, खुले हवा में रहने पर क्या हो जाता है, काली होने लग जाती, काली पड़ जाती है, राइट? और खराब, उसके बाद काली होती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं,
सिल्वर टेप इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करने के लिए, चमकाने के लिए, ये एक चीज करते हैं। यानी कि चांदी ओपन एनवायरमेंट में रिएक्ट करता है, तो वो इनर्ट मटेरियल में गिनती नहीं की जा सकती उसका। और साथ ही साथ आप लोग फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट का देते हैं ना डेमो, चार अलग ब्रांड का टूथपेस्ट रखते हैं, फिर फ्रेश मूवमेंट करते हैं, सबके ऊपर केमिकल्स आते हैं पर फ्रेश मूवमेंट का रिएक्शन नहीं होता है केमिकल्स आने से, बाकी सबका हो रहा है। यानी कि इसी तरह से गोल्ड के ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं होता केमिकल्स आने से। एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सोना है, राइट। गोल्ड एक इनर्ट मटेरियल में गिनती की जाती है, इसका कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से और भी चीजें हैं इनर्ट मटेरियल जो नेचर में कुदरती तौर से मौजूद है, और इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, जो चीजें लोगों को आप बता सकते हैं, जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए कि ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ ये एक बार आपने अगर मोबाइल पे लैपटॉप टैब वाईफाई और चिप लगा दिया ना, तो ये लाइफ टाइम लगा रहेगा जब तक आपके मोबाइल लैपटॉप टैब पे है। नॉन एक्सपायरी है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑफ कोर्स इसको चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज मोबाइल पे से जो रेडिएशन है, जो पावर निकलता है, उसके से एनवायरो चिप काम करता है, इसलिए उसको अलग से चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पर एनवायरो ब्लॉक को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, जी हाँ, एनवायरो ब्लॉक को, क्योंकि इसको हम किसी प्रोडक्ट के साथ चिपका के नहीं रखते। तो ये सारी चीजें हैं, तो नेचुरली इसको रख सकते हैं आप अपने घर में कमरे में। एनवायरो ग्लोब आप कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं? एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल आप अपने घरों में कर सकते हैं, बेडरूम में रात को सोते वक्त, दिन में जहां पर आप लिविंग रूम में काम करते हैं, ऑफिस में जहां पर आप काम करते हैं, खुद का डेस्क है, कैबिन है, क्यूबिकल से वहां पर रख सकते हैं। साथ ही साथ जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेंशन केबल लाइंस, मल्टीपल वाईफाई गैजेट्स, मल्टीपल वाईफाई है, मल्टीपल गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग बोलते हैं सर ये एनवायरमेंट ब्लॉक कितने डिवाइस तक काम करता है? वो नंबर ऑफ डिवाइसेस पे काम नहीं करता, एरिया पे काम करता है। अगर एक 350 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें आपके 100 कंप्यूटर हो, 100 लैपटॉप हो, 10 वाईफाई हो, 50 मोबाइल फोन हो, वो सबके लिए काम करेगा। नंबर ऑफ गैजेट्स की उसकी कोई गिनती नहीं है, वो एरिया के हिसाब से काम करता है। बिकॉज ये एनवायरमेंट ब्लॉक आप देख सकते हैं गोल आकार का पूरा है। अब जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं चार दिशाएं हैं, तो गोल आकार को लेना चाहते इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है। तो जिस भी दिशा से आप इसको देखें चारों दिशा में, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में 10 फीट 10 फीट 10 फीट और इधर 10 फीट, यानी चारों दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है। तो कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन कलेक्शन का काम करता है, जो आप देख सकते हैं। और इसको आप इस्तेमाल करें आसपास में जहां पर मोबाइल फोन टॉवर्स है आपके घर के, हाई टेंशन केबल लाइन्स है, इलेक्ट्रिक केबल लाइन्स, मल्टीपल वाईफाई है, मल्टीपल गैजेट्स है घर में, इन सब चीजों से बचाव करने के लिए एनवायरमेंट ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल करते वक्त कार में भी आप ट्रैवल करते वक्त एनवायरमेंट ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे मतलब क्या, बिकॉज डैशबोर्ड पे स्पीड ब्रेकर आपकी घड़ी घड़ी गिर जाता है, तो जो गियर बॉक्स के पीछे जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होता है पाउच होता है, वहां पर भी एनवायरमेंट ब्लॉक है। मेटल स्ट्रक्चर बस ट्रेन कार ये सारी चीजें मेट्रो मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, लिफ्ट के अंदर जो हम लिफ्ट में ट्रैवल जब जाते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, इसका नुकसान हमारे पे और ज्यादा होता है। बिकॉज वो सिग्नल अंदर का अंदर ही और ज्यादा ये करता है, और उसमें ऐसे वक्त में सिग्नल ज्यादा पावर खींचता है, इसकी वजह से इन मेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर रेडिएशन का नुकसान ज्यादा होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए कहा जाता है कि कार में। मेजर ने मुझे पूछा सर मैं स्कूटर चलाता हूँ टू व्हीलर, तो क्या मैं एनवायरमेंट ब्लॉक स्कूटर पे रख सकता हूँ? आप किस बात का खतरा है स्कूटर का? तो है ही नहीं, आप मोबाइल मत इस्तेमाल करेगा, पर स्कूटर पे एनवायरमेंट ब्लॉक नहीं रख सकते, कार में इस्तेमाल करिए। कार अगर चलाते हैं तो कार में आप इसमें रख सकते हैं ये सारी चीजें। दिस वॉज अ रियल क्वेश्चन ना, दैट केम टू मी, आई एम नॉट जोकिंग। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि एनवायरमेंट ब्लॉक को चार्जिंग की जरूरत है, तो उसको चार्ज करने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइदर धूप में रख के उसको चार्ज करें, यानी सूर्य की किरणों में सनलाइट में, या तो फिर आर्टिफिशियल लाइट टेबल लैंप या बल्ब के नीचे। ऐसा नहीं कि लाइट ऊपर लगी है और एनवायरमेंट ब्लॉक नीचे फ्लोर पे रखें वो चार्ज होगा, जी नहीं। टेबल लैंप या बल्ब के नीचे 2 फीट से कम डिस्टेंस दरमियान के अंदर रखें उसको चार्ज करें। फोटो में दिखाया गया चार्जिंग का समय है 15 मिनट हफ्ते में एक बार, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। सूर्य अगर सनलाइट में भी रखते हैं तो कोई भी सनलाइट, सुबह जब से सूरज उगता है ना तब से लेकर शाम के ढलने तक, सूरज ढलने तक आप उसको सनलाइट में सिर्फ 15 मिनट रखें। जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक 12 बजे रखना है या 2 बजे रखना है या सुबह रखना है, सूरज की किरणों में सिर्फ 15 मिनट हफ्ते में एक बार रखें, या फिर आर्टिफिशियल लाइट में 15 मिनट से ज्यादा भी अगर रख दिया ना तो नुकसान नहीं होगा। कई बार हम भूल जाते हैं 15 मिनट से ज्यादा, 1 घंटे 2 घंटे भी रख दिया तो, या 5 घंटे भी रहेगा ना, नुकसान नहीं होगा। मेरा ये एनवायरमेंट ब्लॉक आपको मैं बता दूं, 1.5 साल पौने 2 साल पहले मैं भरूच ट्रेनिंग में गया था सूरत के पास भरूच में, और मैंने एनवायरमेंट ब्लॉक को जिस होटल में मैं स्टे कर रहा था विंडो एसी था,
एसी का वो विंडो ओपन करके बाहर मैंने विंडो एसी के ऊपर बॉक्स पे ये रख दिया था एनवायरमेंट को चार्जिंग के लिए। एक कबूतर आ गया पिजन और उसने पंख फड़फड़ा के किया तो एनवायरमेंट गिर गया। मेरा कमरा था होटल के सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से एनवायरमेंट नीचे गिरा और ऑफकोर्स इसका दो हिस्सा हो गया बिकॉज उस मेटल स्टील का इतनी ऊंचाई से गिरा तो नेचुरली टूट गया, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर दो अलग हो गया, ये हाफ अलग हो गया, नीचे का हाफ अलग हो गया और अंदर का जो पाउच पूरा पॉकेट था वो सेफ था। मैं नीचे जाके देखा मेरा एनवायरमेंट लिया मैंने, मैंने कहा मेरे दो घंटे बाद ट्रेनिंग है भरूच में, मुझे ट्रेनिंग देनी है मोदी गल में और ये एनवायरमेंट इस तरह से। मैं बाहर निकला और बाहर निकल के मैंने जो मेटल फर्नीचर स्टील फर्नीचर बनाने वाले जो होते हैं ना उनके पास सोल्डरिंग होता है वो पूरा ये करते हैं जो ये करते हैं जो जोड़ते हैं उसको पूरा इस तरह से, उनके पास जाके मैंने इस पे चार ये पॉइंट्स लगा के वापस उसको जोड़वाया, आके फिर से एनवायरमेंट लोग को चार्जिंग किया 15 मिनट और उसके बाद एक घंटे बाद मोदी गल के भरूच में ट्रेनिंग भी दी, डेमो भी सक्सेसफुल और आज तक 2 साल हो गए एनवायरमेंट इस्तेमाल करते आ रहा हूँ अभी तक और ये सक्सेसफुली चलता है। इतना स्टर्डी प्रोडक्ट है, इतना मजबूत प्रोडक्ट है, इतना गिरने के बाद भी कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ, तो सोचिए 2 माले के हाइट से इतना गिरने के बाद ये सारी चीजें मेडिकली साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स सी सर्टिफाइड है। सब सवाल आता है अगर ये सी है तो उस पर ISI मार्क क्यों नहीं है, ISI का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्वालिटी, जो इंडिया में मान्यता मिलती है लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, आउट ऑफ इंडिया इसको कोई लोग मानते नहीं है, सभी देश इसको मान्यता नहीं मिलती, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो सभी लोग इसको जानते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो टेस्टिंग होता है क्वालिटी का वो है CE सर्टिफिकेशन, यानी कि कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लायंस, जिसकी टेस्टिंग यूरोप में होती है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान रखते हुए, और ये चीज हमारी वहां पर टेस्ट हुई है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे इसको मान्यता मिल चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में 500 से भी ज्यादा लोगों पर इसका टेस्टिंग हो चुका है एनवायरनशिप का, एम्स में इसका स्टडी रिसर्च हो चुका है 3 साल लगातार एम्स में एनवायरनशिप की टेस्टिंग हो चुकी है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन न्यूरोलॉजी, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी उनके डॉक्टर्स के गाइडेंस में एनवायरनशिप की टेस्टिंग हुई थी 3 साल तक और क्या टेस्ट हुए थे ब्रेन वेव्स के ऊपर, जहां पर हमारे ब्रेन में से जो वेव्स निकलते हैं वो कुछ वेव्स ऐसे हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, हमारा माइंड शांत रहे रिलैक्स रहे, क्योंकि कई बार हम जब गुस्से हो जाते हैं ना हाइपर हो जाते हैं तो हमारा वो ब्रेन वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी को शांत रखने में जो मदद करता है। तो एनवायरनशिप की जब टेस्टिंग की थी सारी चीजों के एनवायरनमेंट की एम्स में तो ये सक्सेसफुल स्टडी रिसर्च किया गया था 3 साल, देखा गया था कि एनवायरनमेंट के जरिए सारे टेस्ट में वो हमारे ब्रेन वेव्स जो अल्फा थीटा डेल्टा और गामा ये 4 वेव्स निकलते हैं ये हमारे माइंड को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं, वो बहुत ही रिलैक्स थे, यानी कि एम्स में सक्सेसफुल रिसर्च हो चुका है। सी सर्टिफाइड है डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज में यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास, इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि इसके इस्तेमाल करने से लगाने से कहीं नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मोबाइल फोन पे, कहीं लैपटॉप के फंक्शनिंग में तो काम में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इट इज नॉट डन, यानी वो सक्सेसफुल साइंटिफिक जो टेस्ट किया था सक्सेसफुल था, यानी कि कहीं पर भी वो रेडिएशन को कम नहीं कर रहा था, रोक नहीं रहा था, ब्लॉक नहीं कर रहा था, राइट ऑन आई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के काम पे इक्विपमेंट उसके फंक्शनिंग पे डिस्टर्ब हो रहा था। इस सारी चीजों के साथ इसके इंटरनेशनल जर्नल्स में यानी कि MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो USA में है, लैंडमार्क रिसर्च जर्नल JBIS जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग USA, इन सारे ऑनलाइन जर्नल्स में उनके जरिए पहले इसको टेस्ट किया गया है, उसके रिव्यूज किए गए, उसके बाद उसको परमिशन दिया गया कि ये प्रोडक्ट्स की जानकारी इन जर्नल्स में प्रिंट की जाए, छापी जाए और लोगों को जानकारी दी जाए, तो अदरवाइज ये जब तक वो सर उनका टेस्ट नहीं होता रिव्यू नहीं होता तब तक वो प्रिंट नहीं करते, तो ये सारी चीजों के बाद उसको टेस्ट किया गया, ये सारी चीजें लोगों को बताई ऑफकोर्स, एंड साथ ही साथ अगर हम एक बार फिर फाइनली फायदे देखें ना इन शॉर्ट, क्योंकि कई बार लोग बोलते सर आपने तो इतना लंबा छोटा प्रेजेंटेशन दे दिया 1 घंटे का, हम 5 मिनट में लोगों को क्या बताएं, 5 मिनट में लोगों को बताने वाली जो हाईलाइट है पॉइंट्स क्या है आपके सामने है, वो 5 मिनट में बताने वाले हाईलाइट पॉइंट्स, सेहत को इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधकता को मजबूत बना रखता है, साथ ही साथ स्ट्रेस रेडिएशन के जरिए स्ट्रेस हो रहा है उस तनाव को कम कर रहा है, सबसे बड़ी चीज है। हमारे पास मोदी के इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वेल कैटेगरी के सारी चीजों के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं राइट, वो सारी चीजें हम लेते हैं अलग अलग चीजों के लिए, पर रेडिएशन से जो सॉल्यूशन है वो भी तो मौजूद है, जो रेडिएशन के जरिए स्ट्रेस हो रहा है तो उसका इस्तेमाल करें, स्ट्रेस तनाव कम करने में मदद करता है, बिजनेस के हिसाब से हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देता है, कितना परसेंट बिजनेस वॉल्यूम है एनवायरनमेंट पे 60% राइट, 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है हमें एनवायरनमेंट प्रोडक्ट पे, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स फर्स्ट मोर एडवांटेज का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोदी कह रही है जैसी कंपनी है जहां पर ये प्रोडक्ट मौजूद है, बाकी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, इसके लिए एक ताली बज सकती है राइट, मोदी कह रही है ये लोगों को बताइए।
उसके अलावा ऑफ कोर्स दो कंपटीशन मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और भी अलग अलग ब्रांड के बनते जा रहे हैं, पर कंपटीशन हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हमारा प्रोडक्ट साइंटिफिकली मेडिकली टेस्टेड है, इजी टू कैरी, छोटा सा प्रोडक्ट है, पर्स में बैग में जेब में कैरी कर सकते हैं, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, एवरीवन इज अ कस्टमर। सबसे जरूरी चीज किसी की आर्थिक परिस्थिति सही हो ना हो, किसी का खुद का घर हो ना हो, किसी का टू व्हीलर या फोर व्हीलर ना हो, पर हर एक के घर में मोबाइल फोन जरूर है, मानते कि नहीं मानते, राइट? सबके घर में जब मोबाइल फोन है तो वो भी एक नहीं एक से ज्यादा, अगर चार सदस्य है तो चार मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैब है, वाईफाई राउटर है, आसपास में मोबाइल एंटीना, हाई टेंशन केबल लाइन्स है। मोदी केयर प्रोवाइड करता है कंप्लीट होम प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, एनवायरो चिप फॉर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर और एनवायरो ग्लोव, जानते दीजिए, नॉन एक्सपायरी बता चुका हूँ ऑलरेडी, नोबल कॉज है, बिकॉज जब ये सारी चीजें आप लोगों को जानकारी देंगे तो आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज बता के उनको सावधानी बरतने को कह रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उनका होने वाले रेडिएशन के खतरे से, नुकसान से, तो ये आप एक नोबल कॉज कर रहे हैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए, एंड ऑफकोर्स साथ ही साथ ऑफर्स की बात करें तो ऑफर्स भी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं ऑफर्स के। सबसे पहला ऑफर है 6 पे 2 ऑफर, यानी कि 6+2 जो एग्जिस्टिंग कंसर्न डीलर्स हैं, अगर वो 6 सिंगल एनवायरो चिप्स खरीदते हैं तो उसके साथ 2 एक्स्ट्रा एनवायरो चिप फ्री मिलता है डीपी ₹1 पे, यानी कि 6 के दाम में 8 मिल रहे हैं, 6+2 ऑफर। न्यू जॉइनिंग स्पेशली उनके लिए ऑफर है 2+1 ऑफर, यानी कि 2 एनवायरो चिप्स खरीदेंगे तो तीसरा एनवायरो चिप सिंगल उनको फ्री मिलेगा ₹1 के दाम पे, यानी कि 2+1 ऑफर, 2 के दाम में 3 मिल रहा है। साथ ही साथ एनवायरो चिप का फैमिली पैक पे ऑफर है, फैमिली पैक खरीदने पे एक सिंगल एनवायरो चिप तो मिल ही रहा है, साथ साथ आपको मिल रहा है स्टेरिल किंग का 250 ml का बॉटल भी, राइट? और एनवायरो ग्लोव पे ऑफर है, 2 कलर है, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर, ये एनवायरो ग्लोव खरीदने पे सिंगल एनवायरो चिप भी आपको फ्री मिल रहा है। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए, हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, हमारी कंपनी ने क्या काम किया है पिछले 13 सालों में। हमारी कंपनी 2007 से है हरियाणा गुड़गांव में, सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और हमने इन 13 सालों में 14 देशों में काम किया, 14 कंट्रीज, 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स काम किए हमने, 2500। आपको बता दूं सबसे हाल ही में लेटेस्ट प्रोजेक्ट आपने अगर देखा है न्यूज में आया था कि चेनाब ब्रिज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो नया ब्रिज बना है रेलवे के लिए, जेके जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज जो इतने ऊंचाई पे पहाड़ों पे है, उसका पूरा एरिया का लैंड सर्वे हमारी कंपनी ने किया था, वो प्रोजेक्ट हमारे को दिया गया था हमारी सब कंपनी सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स को, ताकि रेडिएशन कलेक्शन करके उसका कलेक्शन किया जाए। तो ये हमारी कंपनी ने काम किया। हमारी कंपनी चंडीगढ़ में बिल्डर्स के साथ काम कर चुकी है जिन्होंने अपने पूरे बिल्डिंग को रेडिएशन कलेक्शन किया हुआ है, क्योंकि हम जिस रेडिएशन की बात कर रहे हैं ना वो तो मैन मेड रेडिएशन है, जो हम इंसानों ने बनाए मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीजें, पर एक और रेडिएशन है जो जमीन में से निकलता है, जी हाँ, उसको कहा जाता है ग्राउंड रेडिएशन या जियोपेरिक स्ट्रेस, और हमारी कंपनी इस पर भी काम करती है, और इसमें हमने 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। चंडीगढ़ में बिल्डर्स हैं एसबीपी ग्रुप, उसके पूरे बिल्डिंग को प्रोजेक्ट को हमने रेडिएशन कलेक्शन किया, उनका मेन हाईलाइट था कि जो भी कस्टमर यहाँ पर फ्लैट खरीदता है वो एक रेडिएशन फ्री जोन में रह रहा है, बिकॉज पूरी बिल्डिंग रेडिएशन कलेक्शन की गई थी। पिरामल ग्रुप उनकी खुद की चेयरपर्सन पूर्वी पिरामल ये फीडबैक देती है कि जब से उनके पूरे ऑफिस को रेडिएशन कलेक्शन किया गया है उनके ऑफिस में बहुत ही ज्यादा एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है लोगों का। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, शीज़ द चेयरपर्सन चेयरवुमन ऑफ पूर्वी पिरामल जी पिरामल ग्रुप की। साथ ही साथ ये सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, कुछ ही क्लाइंट्स हैं जीवीके, जीएमआर, आदित्य बिरला, ग्रासिम अफकोर्स, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील का नाम ही है, ललित ग्रुप, आईडीसी, ये सारी चीजें हैं, सिंगापुर एक्सचेंज सिंगापुर में, दोहा बैंक सऊदी अरेबिया, कुवैत में कतर के पास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL और HPCL, इनके सारे ऑयल रिफाइनरीज ऑल ओवर इंडिया में 21 ऑयल रिफाइनरीज रेडिएशन कलेक्शन किए गए हमारी कंपनी के जरिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं होटल इंडस्ट्रीज में, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, इनके सारे होटल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया में, जो भी नाम आप पढ़ सकते हैं ना, बैंगलोर, चंडीगढ़, गोवा, लंदन, कलकत्ता, खजुराहो, यूके होटल्स को, और साथ ही साथ आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स, जो इतना लीडिंग चेन ऑफ होटल्स है आईटीसी, राइट, आईटीसी मराठा शेल्टर, आईटीसी आप सब नाम सुनते हैं, तो इनके सारे होटल प्रॉपर्टीज गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा, बैंगलोर, ये सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन कलेक्शन किए गए। यहाँ तक कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई टर्मिनल T2 स्पेशली, जी हाँ, 2 टर्मिनल है T1 और T2, उसमें जो T2 टर्मिनल है उस पूरी तरह से जीवीके के साथ मिलकर हमारी कंपनी ने उसको रेडिएशन कलेक्शन किया है, और वहां पर डिस्प्ले भी लगा हुआ है डिजिटल साइन बोर्ड में जी कि आप जिस जोन में आप है ना यहाँ पर एयरपोर्ट में, ये रेडिएशन कलेक्टेड जोन है बाय डन बाय सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो ये सारी चीजें लोगों को पता है कि रेडिएशन, ये सारी चीजें जो हमारी कंपनी काम कर चुकी है एयरपोर्ट पे भी रेडिएशन, और इसके बाद फिर हैदराबाद इंटरनेशनल पर सभी चीजों को हमने रेडिएशन कलेक्शन का काम किया हुआ है, राइट?
बिजनेस की बात करें, सबको अपने सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, पड़े और कमाना है कि नहीं, तो आखिरी के दो मिनट आपसे रूंगा एक चीज को बताने के लिए। हमारे देश में 100 करोड़ जनता है जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है, 100 करोड़। ऐसे तो पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पर 100 करोड़ जनता मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है, और 100 करोड़ में जनता का अगर हम मोबाइल फोन का जाने तो ये सारे लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, 100 करोड़। तो हमारे पास कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप सोच सकते हैं हमने कितने लोगों को बचाया। खुद ही सोचिए कि आपने कितने लोगों को बचाया, 50, 100, 200, 2000, 5000, हमारे पास कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 100 करोड़ जनता, हमारा एमआरपी 699 है, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो 69,900 करोड़, यानी कि 70,000 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और अगर इतना बड़ा बिजनेस ऑपरेशन तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी चीज करनी है, होम मीटिंग्स करते हैं कि नहीं करते, शुरू हो चुका है होम मीटिंग्स करते हैं, मोदी कहते सारे प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं, प्रोडक्ट्स का डेमो देते हैं, हर एक प्रोडक्ट के डेमो के बाद एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट करने को एनवायरो चिप का डेमो भी जरूर दीजिए, लोगों को बताइए जरूर, और साथ ही साथ उसमें उनको जानकारी दीजिए, एनवायरो का डेमो करिए, और रोजाना 2 लोगों से जानकारी शेयर करें, सिर्फ 2 लोग, मैं 2 डजन या 200 नहीं कह रहा हूँ, ओनली 2 पीपल पर डे, यानी कि प्रतिदिन 2 लोगों को बात करिए, और जब आप लगातार 50 दिन में 2 लोगों को जानकारी देंगे ना तो 100 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज 50 दिन 2 लोग यानी कि 100 लोग है, 100 लोग यानी कि 100 परिवार से आते हैं, और अगर हर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 फैमिली मेंबर्स, तो 100 लोगों के हिसाब से 400 एनवायरनशिप आप शेयर करने की ताकत रखते हैं, बिकॉज 400 एनवायरनशिप आप कर लेंगे, शेयर कर पाएंगे 400 एनवायरनशिप, उसका ये आपका गिनती अगर 100 × 4 = 400, यानी कि आपकी गिनती हो जाती है, और 400 एनवायरनशिप का शेयर कर दिया तो 1 एनवायरनशिप का बिजनेस वॉल्यूम है 350, तो 400 × 350 बिजनेस वॉल्यूम आपको देता है 1,40,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आप डायरेक्टर अचीव कर सकते हैं, जिन्होंने भी डायरेक्टर लेवल नहीं अचीव किया है उसे नीचे वाले लेवल पे, जैसे कि 0% स्टार्ट किया, न्यू ज्वाइन है 7%, 10%, 13% डायरेक्टर लेवल के स्तर से अचीव कर सकते हैं, उसका एक छोटा सपना आपके सामने मौजूद है। डायरेक्टर लेवल अचीव करने के बाद फिर तो आपको और बेनिफिट मिलते हैं, फायदे मिलते ही हैं, राइट, ये जानकारी लोगों को दीजिए, बिकॉज समीर मोदी आजाद खान में 16% डायरेक्टर लीडरशिप करने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट करेगा, इज इट 1,08,027, राइट, 1,08,027 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, आपको मिल रहा है 1,40,000, यानी कि 32,000 एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप डायरेक्टर लीडरशिप कर सकते हैं, तो ये लोगों तक जानकारी दीजिए। और इसी तरह से आगे अगर देखा जाए तो अगर कोई सीनियर लेवल लीडर्स हैं जो जीबीडी तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, उनके जो नीचे लेग्स बनाते हैं ना, तो ऐसे अगर 14 लेग्स बनाते हैं, 14 लेग्स, हर एक का लेग होता है ही नीचे, अगर आप शुरुआत करते तो 4 लेग से करते, पर अगर ऐसा 14 लेग बन जाता है और हर एक लेग में डायरेक्ट लेग अचीव हो जाता है, यानी कि आपको हर एक लेग से 1,40,000 मिल रहा है, 14 लेग × 1,40,000 आपको देता है 19,60,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आप जीबीडी लेवल तक अचीव कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए, ये एक सिंगल प्रोडक्ट की ताकत है। मोदी केयर में तो इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, एक से एक बढ़कर है, सोचिए सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप कितना कर सकते हैं, और एनवायरनशिप के रेंज पूरा है, एनवायरनमेंट लोग है, लोगों को प्रमोट करिए, जानकारी दीजिए। आप सभी के लिए अहमदाबाद के लिए स्पेशल DIY टिप्स, DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ टिप्स, और ये चीज के हिसाब से क्या है बताएं, आप लोग सभी के लिए मैं ये स्पेशली स्लाइड में ऐड किया है कि जब भी आप रात को सोते हैं अपने मोबाइल फोन को अपने शरीर से 1 हाथ दूर रखे सोइए, यानी कि 2 फीट दूर रखे सोइए, जी हाँ, सोते वक्त रात को प्रैक्टिस करिए कि अपना वाईफाई राउटर स्विच ऑफ करें, जरूरी चीज, सेकंड नंबर। तीसरा चीज, अपना मोबाइल फोन टैब या लैपटॉप या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं अंधेरे में रात को सोते हुए इस्तेमाल ना करें, पीछे डिम लाइट, बैकग्राउंड में डिम लाइट जरूर इस्तेमाल करें, बिकॉज जब आप अंधेरे में सारी चीजें करें तो मोबाइल या लैपटॉप या टैब में से जो लाइट आती है ना रोशनी स्क्रीन में से, वो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो सकता है, अंधेरा बना सकता है, पानी आंखों में से निकलने लगता है, वॉटरी आईज जिसको बोलते हैं, और ये सब चीजों के बाद आगे चल के कैटरेक्ट यानी कि मोती बिंदु जिसको हम कहते हैं वो होने के रिस्क चांसेस बढ़ सकते हैं, चश्मा आएगा, चश्मे का फिर आगे कैटरेक्ट सारी चीजें हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए। और सबसे जरूरी चीज पॉइंट नंबर 4, रात को जो भी समय पे आप सोते हो ना, सोने से 1 घंटा पहले अपने से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सबको दूर कर दीजिए, कर सकते हैं, राइट, सोने का समय, फॉर एग्जांपल अगर किसी को रात को 12 बजे सोने की समय आदत है, रात को 12 बजे सोते हैं, तो 11 बजे वाईफाई राउटर ऑफ कर दीजिए, मोबाइल फोन टैब लैपटॉप सबको इस्तेमाल करना बंद करें, 1 घंटा पहले ये सारी चीजों से को इस्तेमाल न करें, और फिर जो भी सोने का समय है उसको सोए, और ये प्रैक्टिस करें 1 आवर, दैट इज नथिंग बट नो गैजेट आवर जिसको मैं कहता हूँ, और ये प्रैक्टिस करिए शुरू, तो देखिए कितना आपको डिफरेंस महसूस होगा। ये सारी चीजों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत
बहुत शुक्रिया दिल से आप सबका इतनी जोरदार तालियां बजाने के लिए। मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ, सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से दोस्तों बिलोंग करता हूँ। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आप भी इसी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग या खुद का इसका जानकारी अपने टीम में लोगों को देना चाहते हैं, ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये सारी पीपीटी प्रेजेंटेशन डेमो वीडियोस ऑफर्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब लिंक्स मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस है रिकॉर्डेड उसके सारी जानकारी आपको शेयर की जाएगी। उस वीडियोस को देखें और टीम में लोगों को शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है 24 आवर्स आपको सपोर्ट दिया जाएगा। रात को मैं सोता हूँ जरा आराम करना जरूरी है, पर कभी भी आप अगर मुझे फोन करेंगे तो आपको मैं कुछ भी प्रॉब्लम से आपको जरूर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। हेल्प होगी मेरे तरफ से तो सपोर्ट मिलना चाहेगा। और ये सारी चीजों के साथ साथ अगर मैं कभी फोन नहीं उठा पाया हूँ आपका तो प्लीज सही मत समझिएगा कि मैं आपके फोन कवर कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग ऑनलाइन भी चलती है तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में बिजी रहता हूँ, पर आपके मिस कॉल आने का मैं आपको रिपोर्ट जरूर दूंगा आइदर व्हाट्सएप या मीटिंग कॉल के जरिए। राइट, सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच अहमदाबाद क्राउड ग्रेट और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चाहिए तो डेमो का वीडियो भी निकालिएगा, बिकॉज कई बार डेमो लोग बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपना डेमो करने के बाद होम मीटिंग का डेमो वीडियो मुझे भेजते हैं और उस डेमो वीडियो से बहुत सारी गलतियां होती है। कई बार मैंने देखा है कि डेमो करते वक्त अपना उल्टा करेंगे, वो डेमो करते वक्त पीछे खड़े रहते हैं और पीछे से डेमो करके हाथ नीचे कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है पीछे खड़े रहें कि सामने खड़े रहें तो उनका डेमो करिए, कोई बात नहीं है। और क्या चीजें जरूरी है डेमो के दौरान, सबसे पहला चीज जिसके साथ भी आप डेमो कर रहे हैं ना एनवायरमेंट का, पहला सवाल उनसे पूछिए कि उनके पास अगर जेब में कोई मोबाइल फोन या फिर ब्लूटूथ की है तो उसको निकाल के बाहर रख दीजिए। राइट, ये सवाल आप लोगों के लिए भी, अगर मोबाइल फोन आपके पास या ब्लूटूथ है तो उसको निकाल के प्लीज साइड में रख दीजिएगा, पहली चीज। दूसरा चीज, वो राइटी है या फिर लेफ्टी है, अगर वो लेफ्टी है तो उसके लेफ्ट हाथ पे डेमो करिए, अगर वो राइटी है तो राइट हाथ पे डेमो करिए। और तीसरा जरूरी चीज, उन्हें कोई बैक पेन या शोल्डर जॉइंट प्रॉब्लम्स ना हो। राइट, अगर इस तरह का कुछ उन्हें बैक पेन या जॉइंट प्रॉब्लम्स है, आई एम श्योर कि आप किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल आर फिट, एब्सोल्युटली दिख भी रहे फिट वैसे तो। राइट, तो ये सारी चीजें, तो ये अगर ऐसा है तो उनके साथ डेमो मत करिए, बिकॉज थोड़ा हो सकता है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से उनको कुछ दर्द हो जाए और उसका फिर हॉस्पिटल का खर्चा का बिल आपके नाम पे आ जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, डेमो करते वक्त अपना जो हाथ है ना उसको कंधे से सीधा सेम स्ट्रेट लेवल या तो थोड़ा सा ऊंचा, राइट, नीचे इस तरह से नहीं रखना। कई बार डेमो करते मैंने देखा जो वीडियोस आए मेरे पास डेमो के, वो इस तरह से डेमो रखते हैं और हाथ को भी नीचे आसानी हो जाता है। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में, तीनों बार में हाथ आसानी से नीचे जाता है, सर हमारा डेमो सक्सेसफुल नहीं हुआ। राइट सर, आप लेफ्टी है राइटी है? राइटी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शाकिर। आप राइटी हैं? ओके सर, आप ही राइटी। आपका शुभ नाम? कुजेल। मैम यू आर ऑल्सो राइटी एंड योर गुड नेम प्लीज? हर्षिता व्यास। सर? प्रदीप जैन। प्रदीप जैन, यू आर ऑफ कोर्स राइटी। तो चारों के चारों यहां पर राइटी हैं। ओके ठीक है, एक एक करके डेमो करेंगे। सर आप अपना दोनों हाथ मुट्ठी बंद करिए, क्लिंच योर फिंगर्स, मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ कंधे से ऊंचा करिए थोड़ा ऊपर। मैं क्या करूंगा, इनके हाथ पे यहाँ पर जोर लगाऊंगा। कई बार डेमो करते हुए ये भी चीज देखी गई कि वो जब डेमो करते हैं ना तो यहाँ पर जोर लगाते हैं, इधर जोर नहीं लगाइए, एल्बो पे नहीं या इधर भी नहीं, आर्म्स या एल्बो पे नहीं लगाना है, कलाई पे यहाँ पर जोर लगाना है। ओके, थोड़ा सेंटर में आ जाइए यहाँ पर ताकि सब लोग देख सके। राइट, हैंड सपोर्ट थोड़ा सा शोल्डर से ऊपर। मैं आपके इस हाथ पे जोर लगाने की कोशिश करूंगा, आपको अपना हाथ नीचे होने से रोकना है। रेडी तैयार? पहले आपके साथ करेंगे फिर हम, सर आपके साथ फिर मैम। ओके गो, गिव योर बेस्ट, ताकत दीजिए, हाथ नीचे मत होने चाहिए, हाथ बिल्कुल ऊपर करिए। इज दैट अ स्मार्ट वॉच? यस सर। जस्ट रिमूव दैट स्मार्ट वॉच, स्विच ऑफ है हाँ तो फिर ठीक है। ओके रेडी गो, गिव योर बेस्ट। राइट, आपने देखा कि हाथ पे जोर लगाया तो उनका प्रेशर भी उतना था, हाथ बाउंस हुआ। आप पीछे हो जाएंगे सर, आ जाएंगे, सेम चीज विल डू विद यू एज वेल।
गिव योर बेस्ट स्टिफ एकदम हाथ ताकत लगाइए रेडी नीचे होने से रोके का गो ओके मैम सर के साथ मैंने आपने देखा मैंने पूरे हाथ का प्रेशर लगाया तो मैम एक महिला है लेडीज है तो मैं पूरे हाथ का प्रेशर नहीं सिर्फ दो उंगलियों से काम करूंगा जस्ट टू फिंगर्स मैम स्ट्रेच पूरा हाथ ऊपर वन उंगली बंद और हाथ ऊपर रेडी योर राइटिंग गो गिव योर बेस्ट हाथ से रोके ओके यू फील प्रेशर महसूस हुआ पीछे हो जाइए सर आ जाइए आपके साथ ही रेडी गो गिव योर बेस्ट ओके राइट अब किसी के पास ऐसा मोबाइल है जिसपे एनवायरो चिप नहीं हो बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल किसी के पास भी है तो प्लीज दीजिएगा बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल एनवायरो चिप वाला मोबाइल नहीं है उसके ऊपर ठीक है चलिए इसके पास ही मोबाइल है एनवायरो चिप नहीं लगा हुआ है और ऑफकोर्स मोबाइल ऑन है ओके राइट मोबाइल ऑन है डेमो करते वक्त कई बार लोग बोलते हैं सर हम डेमो करते हैं ना तो मोबाइल पे कॉल करते हैं और फिर डेमो भी करते हैं तो कॉल करने की जरूरत नहीं है जस्ट मोबाइल ऑन होना जरूरी है राइट मोबाइल में सिग्नल है तो रेडिएशन है इस चीज को सर अपने जेब में रख दीजिए मोबाइल को कहीं पर भी शर्ट पॉकेट में अगर जींस है शर्ट या टी शर्ट पॉकेट में रखें या पैंट के जेब में रख सकते हैं अगर लेडीज हैं उनके पास पॉकेट नहीं है तो दूसरे हाथ में जहां पर पॉकेट नहीं है तो दूसरे हाथ में डेमो कर रहे हैं ना उसके दूसरे ऑपोजिट हाथ में डेमो के और आप ये रख सकते हैं आपने जेब में रख दिया मोबाइल फिर से हाथ ऊंचा करिए कंधे से ऊपर राइट फिर से आपके जो लोगों का हाथी छोड़ से रोकिए रेडी गो गिव योर बेस्ट ओके अप्रोच साइड में जाइए इन दोनों के साथ मैं एनवायरो चिप डेमो कर रहा हूं इन दोनों के साथ मैं एनवायरो ब्लॉक करूंगा राइट गो रेडी गिव योर बेस्ट हाथी छोड़ से रोकेगा मोबाइल जेब में है ओके तैयार राइट आप भी आ जाइए पीछे मैम आपके साथ हम एनवायरो ब्लॉक डेमो करेंगे तो हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे एनवायरो ब्लॉक डेमो में क्या कर रहा हूं मैं जो नजदीक में स्विच बोर्ड होता है ना उसको टच करना है बटन को वहां पर स्विच बोर्ड है तो आप जाके वो स्विच बोर्ड को बटन को दो से तीन बार छू के ऑन ऑफ कर दीजिएगा खुद अपने हाथों से ये चीज हम एनवायरो ब्लॉक का डेमो कर रहे हैं बटन को दो से तीन बार ऑन ऑफ कर दीजिए यस टू थ्री टाइम्स दैट्स इट इनफ आ जाइए वो एनवायरो चिप का डेमो था तो हमने उनके जेब में बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल रखा था ये एनवायरो ब्लॉक का डेमो मैम हैंड्स अप ऑन द शोल्डर दोनों भी हाथ हाथ नीचे होने से रोकना है रोकेंगे रेडी गो एकदम से हो गया प्रेशर भी नहीं अप्लाई किया मतलब सर आप भी करेंगे ये चीज आप भी करेंगे इनके साथ भी एनवायरो ब्लॉक डेमो करें सर आप भी उसको बटन को सच में महसूस हुआ ताकत ही नहीं रही आ जाइए सर रेडी हाथ ऊंचा करो सर सेंटर में आ जाइए हाथ ऊंचा करिए कंधे से इतना हाथ बस रेडी गो गिव योर बेस्ट हाथ नीचे से रोके लगाओ गो आसानी से नीचे हो गया राइट अब तीसरा डेमो तीसरा स्टेप जो है एनवायरो चिप के साथ वाला मोबाइल है किसी के पास ऐसा मोबाइल है जिसमें एनवायरो चिप है अच्छा ओके सभी चीज एनवायरो चिप लगाया था पर गलत लगाया ऊपर नहीं लगाया बीचों बीच लगाना है नीचे यहाँ पर ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं और ऑफ कोर्स कैमरा का सेंसर होता है एनवायरो चिप जब लगाते हैं तो बीचों बीच सेंटर में लगाइए ना कि नीचे ना कि ऊपर क्योंकि नीचे बैटरी होता है बैटरी का सर्किट होता है ऊपर मोबाइल फोन का कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर होता है तो एनवायरो सर्किट जो होता है ना मोबाइल का वो बीचों बीच होता है तो इसलिए एनवायरो चिप शुड बी ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द मोबाइल राइट इसको सर आप निकाल के फिर नीचे लगा दीजिए नहीं ऑफ कोर्स इट इज फंक्शनिंग ये काम कर रहा है पर ज्यादा बेटर उसका यस कवर के ऊपर लगा सकते हैं कवर के ऊपर भी लगाइए तो सेंटर में लगाएगा मोबाइल लगा है तो भी सेंटर में लगाइए ये लगाया तो काम तो कर ही रहा है पर सही तरीका उसका वो है जो उसको बताएगा राइट इसको मैं साइड में रख देता हूँ एनवायरो चिप पीछे लगाया हुआ है सेंटर का मोबाइल मोबाइल ऑन भी है सर इसको अपने जेब में रख दीजिए मोबाइल को और फिर से आपके हाथ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे आखिरी बार हाथ नीचे होने से रोकना है तैयार गो रेडी गिव योर बेस्ट ओके जेब में रख दीजिए दो एनवायरो चिप डेमो होते दो हाथ में एनवायरो ब्लॉक होंगे तैयार रेडी ओके हाथ नीचे से रोकेगा गो अब उस चीज को आप साइड में रख दीजिए थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स के लिए इनके लिए जोरदार ताली हो जाए मोबाइल लेके आ सकते हैं कैरी कर सकते हैं अब बाकी रह गया एनवायरो ब्लॉक का डेमो का थर्ड स्टेप राइट एनवायरो ब्लॉक
मैं मेरे इस पाउच में से हमारे ब्लॉक के पाउच में से निकाल के इसको दे दूं। पाउच में भी रखते हैं तो उसका नहीं, बिकॉज़ इट शुड बी ऑलवेज इन एन ओपन एनवायरनमेंट, हवा खुले हवा में, उसको शेल्फ के अंदर कबर्ड में बंद करते हैं, मत करिए, है ना, खुले हवा में रखिए। अच्छा सर, दीजिए, इनके पास दिया हुआ है, सर के पास दिया हुआ है, और मैम एक बार फिर से जाके स्विच को ऑन ऑफ करके आइए, दो से तीन बार बटन को, बस आ जाइए, लोगों को मजा आ जाता है। चलिए तैयार, रेडी मैम, यहाँ पर है एनवायर ब्लॉक, सर के हाथ में तकरीबन 8 फीट का डिस्टेंस है, 8 से 10 फीट, राइट, हाथ ऊंचा करिए, हाथ नीचे से रोकना है, गिव योर बेस्ट, रेडी गो, ओके, सर के साथ सर आप भी एक बार स्विच को दो से चार बार ऑन कर दीजिए, सर अच्छा होगा कि इधर आप लोग इधर बीच में ले लीजिए, एक मिनट लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस और ले लेते हैं, अभी 8 फीट रखा था, मैम आप अपने पास रख लीजिए, अपने हाथ में बस, अब सर और मैम के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 फीट, हमने 10 फीट का लिया, हमारा लोग 10 फीट रेडियस में काम करता है, तकरीबन 15 फीट है, रेडी गो, गिव योर बेस्ट, हाथ इंच से रोके, ओके, लोग अक्सर विश्वास नहीं करते जब डेमो करते, तो लोगों को डेमो एक्सप्लेन करिए, जो डेमो है आप रख सकते हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच मैम, ये जो डेमो किया इस डेमो को कहा जाता है हैंड स्ट्रेन टेस्ट, और ये लॉजिक है साइंस, इस साइंस को कहते हैं किनेसियोलॉजी, KINESIOLOGY, किनेसियोलॉजी, एक ऐसा साइंस जो हमारे शरीर को कोई चीज जो सूट नहीं करती ना तो हमारा शरीर उसे रिजेक्ट करता है, रेडिएशन सभी के शरीर को सूट नहीं करता तो किस तरह से हमारे शरीर को रिजेक्ट करता है, हमारा शरीर उसे सूट नहीं होता, तो ये चीज का हमने डेमो देखा फर्स्ट टाइम में, जब मैंने कहा कि मैं उनके हाथ पे जोर लगाऊंगा, हाथ तीन से रोकेगा, तो उनके ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी वो वेरी मच क्लियर था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और हाथ रोक पाए, यानी कि ब्रेन ने बॉडी को मैसेज किया कि हाथ रोकना है, और बॉडी को भी पता था वो रोक पाए कौन सी वॉच छोड़ने के बाद, देखा आपने। सेकेंड टाइम में जब बगैर एनवायरनमेंट वाला मोबाइल फोन जेब में रखा रहा, तो मोबाइल अपने जेब में होने के कारण सिग्नल है, तो नेचुरली वो रेडिएशन से जो नुकसान हो रहा था उससे हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन और बॉडी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो गया, ब्रेन को पता था कि हाथ नीचे से रोकना है, पर शरीर तक वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाया, कम्युनिकेशन हो नहीं पाया, और इसके लिए शरीर को हाथ पे जोर लगाने पर हाथ आसानी से गिर गया नीचे, इजीली, राइट, ये चीज थी सेकंड इंस्टेंस में। सेम वाज विद एनवायरनमेंट ब्लॉक, जब उन्होंने बटन को छू के ऑन ऑफ किया एनवायरनमेंट ब्लॉक डेमो में, तब एनवायरनमेंट ब्लॉक बंद था पाउच में, और बटन को ऑन ऑफ करने पर बटन के पीछे क्या है, स्विच बोर्ड के पीछे वायरिंग, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी है, उसके जरिए जब बटन को छुआ तो पूरा रेडिएशन शरीर में पास होकर उसके वजह से स्ट्रेस तनाव जो शरीर में पैदा हुआ वो नुकसान दे रहा था, जिसकी वजह से हाथ पे जोर लगाने पर हाथ आसानी से नीचे गिर गया। तीसरी बार में जब मोबाइल में एनवायरो चिप था और वो मोबाइल को जेब में रखा, तो मोबाइल में रेडिएशन तब भी था विद एनवायरो चिप, पर वो एनवायरो चिप लगाने के कारण क्या हुआ कि वही रेडिएशन का नुकसान शरीर में नहीं होने दिया, स्ट्रेस तनाव होने नहीं दिया, स्ट्रेस तनाव को कम किया, रेडिएशन का नुकसान नहीं होने दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल से निकलने वाला, और उसी के कारण ब्रेन और बॉडी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से हाथ नीचे रोकने पर उनको पूरी ताकत मिल गई, फिर से वो एनर्जी पूरी आ गई और हाथ बाउंस भी हुआ। सेम विद एनवायरनमेंट ब्लॉक, जब बटन को छूके ऑन ऑफ किया, रेडिएशन को शरीर के जरिए पूरा स्ट्रेस तनाव पैदा कर चुका था शरीर में, पर एनवायरनमेंट ब्लॉक जब हमने देखा कि यहाँ पर इनके साथ कल के हमने था और दूसरी बार में मैम के हाथ में जो 10 फीट या 15 फीट के डिस्टेंस पे ऑलरेडी था, इतने डिस्टेंस पे भी एनवायरनमेंट ब्लॉक ने क्या किया, आसपास के पूरे 350 स्क्वायर फीट एरिया जो है रेडिएशन करेक्शन का, वो रेडिएशन करेक्शन किया, साथ ही साथ उनके शरीर में बटन को छूने स्ट्रेस तनाव पैदा हुआ उसको भी कम किया, और ये था कि तीसरी बार में भी बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी कम्युनिकेशन वाज वेरी मच क्लियर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और हाथ रोक पाए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डेमो ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट हैंड स्ट्रेन टेस्ट डेमो, राइट, और इसको साइंस कहते हैं, साइंस का नाम है किनेसियोलॉजी, तो कोई जादू नहीं है, ये मसल्स को हमारे जैसे कमजोर बना देता है, रेडिएशन को जानकारी आपने यहां पर लिया। वंस अगेन थैंकिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट सारे बड़े लीडर्स, सारे पार्टनर्स, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सो मच सर।
कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे लोगों को अब तक हम लाइव जूम पे देख रहे थे, आज हमने लाइव ट्रेनिंग लिया। तो सर के लिए एक बार खड़े होंगे जबरदस्त धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अटेंडेंट सीट चार थी, तो प्लीज आइए भिजवा दीजिए।